Anyway, नहीं, ये नहीं, ये आई नहीं। थिंक I mean, जो भी हैं चल रहे हैं जो तुम्हारी भवक्ति न्यूज है चलती रहती है आई डोंट अंडरस्टैंड मेरा पहला क्वेश्चन आपसे मैं यहां से शुरू करूंगा बिफोर बी गेट इन टू नेटिग्रिटी ऑफ दिस तुम्हारी सारी डिटेल्स एंड केसेस एंड एवरीथिंग मेरे पास पचास हजार क्वेश्चन

एक बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं बड़े काइंड हैं उन्होंने बोला दीपिका आप आ जाओ हम आपको मदद करते हैं फ्री में करवा देंगे आपका एडिट हालांकि वो हुआ नहीं वहां पे पे आई हैड टू टू कम बैक बट उस टाइम दे पुट मी ऑन अ राइटर जो कि क्राइम आ, सीरीज की राइटर थी hmm. तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि जो आदमियों के साथ केसेस होते हैं और इतने सारे होते हैं मैं तो कितने सारे देख रही हूँ आप उनको क्यों नहीं हाईलाइट करते तो कहती कि हम लोग हर रोज देखते हैं इस तरह की चीजें होते हुए लेकिन टीआरपी नहीं आती ठीक है फैक्ट है प्रैक्टिकल बात कर रही थी वो बंदी मुझसे कहती टीआरपी नहीं आती हमारी ऐसी episodes पे तो भाई बिजनेस में है हम लोग तो टीआरपी पे चलता है सारा बिजनेस सिंपल uh, सी बात है अः uh, जो महिलाओं के साथ जो केसेस होते हैं उसमें इमोशंस भी जुड़े हैं बहुत सारे मासेज उसको देखते भी हैं सिंपथाइज भी करते हैं कुछ उसके बारे में करना भी चाहते हैं हर चीज से इमोशंस कनेक्टेड है और इमोशन से बिजनेस कनेक्टेड है आदमियों से ना तो इमोशन कनेक्टेड है और obviously फिर बिजनेस कनेक्ट नहीं होगा राइट right? दूसरा मैं आपको एक केस बताती हूँ दिल्ली का उसमें एक लेडी ने अपने हस्बैंड को इतना इतना पीटा कि उसको फ्रैक्चर हो गया तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और ऑब्वियसली पुलिस केस बनेगा कि इतनी बुरी तरह से वायलेंस हुई है तो तो तब तो कोई मीडिया तब तो ऑब्वियसली वो बंदा कुछ नहीं कर पाया फिर उसने बाद में जाके एक एफ दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में जब उसने उसका डिस्चार्ज हुआ कि मेरी वाइफ ने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा और मेरे साथ वायलेंस हुई है सब वो सब हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस का तो ऑब्वियसली कानून है ही नहीं इंडिया में लेकिन तीन वगैरह जो तीन वगैरह जो धाराएं हैं आईपीसी की उसमें उसने केस रजिस्टर किया अपनी वाइफ के अगेंस्ट तो जब पुलिस के पास केसेस रजिस्टर होते हैं तो पुलिस अगर मीडिया के साथ कॉन्टेक्ट होते हैं क्राइम रिपोर्टर्स के साथ तो बता देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा केस आया है तो एक रिपोर्टर ने वो न्यूज लिखी मैंने उस न्यूज को पढ़ा और मैंने रिपोर्टर से कांटेक्ट किया मैं ऐसे ही लोगों के मदद करती हूँ you know, in क्योंकि मुझे पता है कि और किसी को तो पड़ी नहीं है hmm. तो इन रिपोर्टर ने सिर्फ वो जो एफ में जो उनका कॉन्टेंट था उनसे बात करके थोड़ा बहुत छाप दिया तो मैंने कहा आप इसके बारे में फॉलो अप भी तो करते ना कि उस लेडी का अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ तो इन जर्नलिस्ट से मुझे बोला दीपिका जी हमारे को कोई डायरेक्शन मिलती नहीं है ऐसे केसेस फॉलो अप करने के लिए ऊपर से टॉप से हमारे एडिटर्स से जैसे लेडी का कोई केस होता है कोई क्राइम हो जाता है तो हमारे को वो पूरी स्टोरी फॉलो अप करने के लिए बोलते हैं कि, कि किसने बोला इसके ऊपर फिर क्या हुआ पुलिस ने क्या किया कोई कमीशन ने कुछ बोला क्या कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुआ बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं खासकर जो केसेस लाइमलाइट में आ जाते हैं जब आदमियों के साथ ऐसा कुछ होता है ना तो हमारे को ऊपर से एडिटर से कोई डायरेक्शन नहीं होती है एंड एट एंड ऑफ द डे वी हैव टू डू वी हैव टू डू द स्टोरीज जो हमारे एडिटर्स हमारे को बताते हैं तो कोई मेरे को फॉलो अप करने के लिए किसी ने बोला नहीं तो मैंने भी जो है फॉलो अप नहीं किया फिर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की मुझे इनका नंबर दे दीजिए आप आ, या फिर वो कर दीजिए तो उसने फिर मुझे बोला कि मैं कोशिश करता हूँ ढूंढ ढूंढ के मैं आपको देता हूँ मैंने बस उनसे तभी बात की थी तो इवेंचुअली मुझे वो नंबर नहीं मिला अभी रिसेंटली हाल फिलहाल पिछले ही इंटरनेशनल मैंसडे के आसपास इंडिया टुडे की एक जर्नलिस्ट हैं काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझे बोला कि दीपिका हम एक सीरीज करना चाहते हैं इसके ऊपर मैंने लिटरली श्वेताब उनको रिसर्च दी उनको केस स्टडीज दी मैंने इन विक्टिम से कनेक्ट किया पूरा कोऑर्डिनेट किया कि आप इन लोग को इंटरव्यू वगैरह दीजिए उन्होंने मेरे ख्याल से शूट भी कर लिया था मेरा तो इंटरव्यू शूट कर लिया था उन्होंने बाकी विक्टिम्स के भी उन्होंने जो है पर्सपेक्टिव लिए और उनको स्टोरी चलानी थी मतलब पैकेज रेडी है लेकिन आज हम लोग फरवरी में है अभी तक जो है वो स्टोरी नहीं चली क्योंकि उस टाइम पे जब उन्होंने ये प्रपोज किया कि भाई ये लड़की है आ, दिस वुमन इज यू you नो know, डेली ब्रिंगिंग आउट केसेस लाइक दिस तो वी शुड टॉक अबाउट दिस तो पहली बार तो उनको टॉप के जो उनके कोलिग्स है उन्होंने बोला कम ऑन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट औरतों का ऑपरेशन सदियों से चला आ रहा है आप आदमियों की कैसे बात कर सकते हो और उसके बाद जब वो अग्री भी कर गए क्योंकि नहीं है पहले तो ये था कि वर्ल्ड कप फाइनल है फिर उसके बाद और कोई इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर अयोध्या आ गया फिर ये आ गया वो आ गया तो मतलब इस टाइम पे दो लीडिंग चैनल्स हैं जिनके साथ मेरी बात चल रही है कि वो किस तरह का इसके ऊपर दिखाएं या बात करें लेकिन वो ग्रीन लाइट नहीं होता है क्योंकि

कोई भी फॉल्स केस है वो इतनी बड़ी स्टोरी बन जाए ना कि उसका ऑपोजिट साइड भी कहीं ना कहीं लोगों के फिर ध्यान में जाए मतलब ये hmm. तो चलो बहुत नेशनल लेवल की चीजें होगी मैं ट्विटर पे देखती हूँ कितने सारे लड़के मेरे को बताते हैं जो फॉल्स केसेस में आ, वो हुए हैं इन्वॉल्व हुए हुए हैं जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक लड़के ने मेरे को आ, केस भेजा था उसमें लड़की पहले उससे खुद कांटेक्ट करी क्योंकि वो जर्मनी में सेटल हो गया था तो पहले बहुत पहले कभी जानते थे वो किसी को फिर उसके बाद उस लड़की ने खुद उससे कॉन्टेक्ट किया और खूब सेक्सटिंग वैक्सटिंग सब कुछ कर लिया हाँ फिर वो उसके बाद इंडिया आया उससे मिला कोई शादी वादी कुछ की कोई बात नहीं है कोई कमिटमेंट की बात नहीं है लड़की चेप हो गई कि भाई शादी कर शादी कर शादी कर वो उसने बोला मुझे नहीं शादी करनी है भाई हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी तो अब वो लड़की उसके ऊपर रेप केस लगा रही है और रेप केस जब पुलिस को समझ में आ गया कि भैया बिल्कुल ही फर्जी है तो पुलिस ने भी थोड़ा उसको मदद करने की कोशिश की लड़के को तब वो ट्विटर पे हर रोज ट्वीट डाल रही है अटैक इस करी है कभी उस इस पुलिस को टैग कर रही है धमकियां दे रही है कि महिला की आप आवाज नहीं सुन रहे हैं तो इस तरह के केसेस अगर मीडिया के हाथ में लग जाए तो फिर मीडिया तो उनको और बड़ा चढ़ा देती है इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ एक जर्नलिस्ट है जिनसे मदन मोहन है मदन से मेरी बात हुई आ, वो एक केस है ना बिल्कुल ऐसे हाईलाइट कर रहे थे तो उन्होंने वीडियो बनाई उस महिला की इसके साथ बहुत गलत हो गया ये तो विक्टिम है इसको शादी का झांसा देके रेप कर दिया लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉई है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इसलिए छोड़ दिया फलाना झमकाना बहुत सारी चीजें हैं मेरे को उस लड़की की टेस्ट में नहीं सुनते ही समझ में आ गया कि बेटा झूठ बोल रही है है ये ठीक मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया मैंने कहा सर आप ये गलत कर रहे हो ठीक है ना ये स्टोरी मेरे को बिल्कुल भी जो है सही नहीं लग रही है और मुझे अब याद नहीं आ रहा थोड़ा पुराना मैटर हो गया कि इवेंचुअली मैंने लड़के से कॉन्टेक्ट कर लिया जिसको वो अक्यूज कर रही थी ठीक है उस लड़के ने मुझे बताया लिव इन रिलेशनशिप में थी अपने पति को छोड़ के उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी उस बंदे को बताया नहीं कि मेरी शादी शादिशु, मैं शादी शुदा हूं ठीक है उसके ऊपर जबरदस्ती करने लग गई कि भाई शादी कर शादी कर शादी कर फिर उसके बाद उस बंदे को समझ पता चल गया कि ये शा, इसकी शादी हुई हुई है और इसने अपने हस्बैंड के ऊपर भी केसेस करे हुए हैं और उसने इन द बैकड्रॉप उसके हस्बैंड से भी कांटेक्ट कर लिया और हस्बैंड ने बताया कि मेरी जिंदगी इसने झंड करी हुई है तो ऑब्वियसली बात है बंदा क्यों शादी करेगा ऐसी बंदी से तो जाके रेप केस कर दिया फिर मैंने उस बंदे को बहुत मदद की उसको अलाहाबाद हाईकोर्ट से उस रेप केस पे स्टे मिल गया तो ये आजकल के टाइम पे श्रेता लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से पता है तो हर सुनवाई होगी मीडिया और प्रेशर डाल देती है उनको तो स्टोरी चलानी है चाहे आगे सामने बंदा कितना भी इनोसेंट ना हो वो मरता रहे तो सबको पता है कि भैया मीडिया के पास चले जाओ और पुलिस प्रेशर में आ जाएगी और फिर उसके बाद बंदे के ऊपर एक्शन नहीं होना होगा तो भी होगा तो इसका

और बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस टाइम पे पुरुषों को मदद कर रहे हैं सेव इंडियन फैमिली है सहोदर है एन इंडिया है बहुत सारे हैं मतलब तो ऐसे ऐसे कि मुझे नाम भी नहीं पता होगा छोटे छुट छोटे लेवल पे लोग मदद कर रहे हैं सब लोगों के पास केस भरे पड़े हैं मैं आपको एक अभी एक, एक वो शेयर करती हूँ कल एक इंस्टाग्राम पे पोएट है लवली शर्मा है उनका नाम आजकल उनकी रील्स काफी वायरल हो रही है वो आदमियों का जो इशूज हैं और जो खासकर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर बहुत प्यारी पोएट्री लिखती है उनकी रील्स काफी वायरल हो जाती है तो मैं बॉम्बे में थी तो मैं लवली से मिली तो हम लोगों ने लाइव किया और आई थिंक मोमेंट मोमेंट और हम लोगों ने अनाउंस किया कि ये लवली की ईमेल आईडी है और ये हमारी मेरी ईमेल आईडी है जिसको दिक्कत हो वो आप प्लीज हमारे को रीच आउट कीजिए हम लाइव पे थे और लवली की ईमेल नोटिफिकेशन ऐसे टप 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 गिरने लगे ठीक थी। है तो अब जो लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा इशू नहीं है उतना बड़ा इशू नहीं है तो आई आई रियली डोंट नो इफ आई हैव टू रियली आंसर देम क्योंकि जिसको समझ में आता ही नहीं है जो समझना चाहता ही नहीं है मेरे पास टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के yeah. लिए कि मैं उनको समझाने की कोशिश करूं बट मैं uh, uh, बहुत बार बोलती हूँ इस एग्जाम्पल को देती हूँ कि जस्ट बिकॉज कैंसर इज अग बिगर डिजीज डॉक्टर्स हैवेंट स्टॉप ट्रीटिंग फ्लू और कोल्ड राइट

मतलब उनके साथ क्या केस हो रहा है क्योंकि वो तो अगर इंसान है ही नहीं जगह दूर जगह पे है दहेज अरे दहेज डोमेस्टिक अच्छा, वायलेंस रेप केसेस भी आ रहे हैं अब तो बहुत सारे फंसे पड़े हैं पता नहीं कोई पांच साल से लड़ रहा है कोई सात साल से लड़ रहा है आ, मैंने एक स्टोरी भी हाईलाइट करी थी गुजरात से थी वो एक आ, उनको तो बहुत सारे मेडल्स मिले थे सोल्जर है वो मार्टर है अ जम्मू और में टेररिस्ट से लड़ाई करते हुए वो शहीद हुए थे उनको uh, भारत का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गैलेंट्री अवार्ड मिला था जी उनकी शादी हुई और uh, जिस क्वार्टर में वो रहते थे उसी में उनकी वाइफ का आशिका के उनसे मिलने लगा तो आसपास के लोगों ने उनको बता दिया कि ये हो रहा है आपकी पीठ के पीछे तो विद इन 5 6 मंथ्स उनकी शादी जो है खत्म हो गई टेक्निकली मतलब वैसे नॉट ऑन द रिकॉर्ड बट वैसे और उसके बाद उनके केसेस जो है चलते रहे पांच छ साल वगैरह वगैरह तो वो ऑब्वियसली बॉर्डर पे हैं लड़ रहे हैं बहुत सारे इन लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि जाके वापस डिफेंड नहीं कर पाते अपने आप को डिपेंड करते हैं सिर्फ लॉयर के ऊपर पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बेसिकली वो उनका ये सब प्रोसीडिंग चल रही थी फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वापस अलग हो जाते हैं कुछ उस लड़की को पैसे वैसे दिए जबकि बंदे की कोई गलती नहीं है देखिए लड़की अडाल्ट्री में गई ठीक है लेकिन फिर भी पैसे वैसे देके डिसाइड करा कि हम लोग आ, आ, सेपरेट हो जाते हैं बहुत सारे साल हो गए थे तो फर्स्ट मोशन फाइल हो गया बेचारा सेकंड मोशन फाइल करने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी आ नहीं पा रहा था उसी टाइम पे वो शहीद हो गए ठीक है और वो जो लेडी जो उनको छह साल से सात साल से कभी उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी उनके शहीद होने के बाद उस अवार्ड के ऊपर उस मेडल के ऊपर अपना क्लेम ठोकती है, है राष्ट्रपति से मिलता है जो हमारी वो होती है सेरेमनीज होती है ऑफिशियल सेरेमनीज उसपे नहीं डिस्प्यूटेड हो गया केस तो उनके माता पिता जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया इतना बड़ा मतलब सोल्जर बनाया अपना हमारे देश का वो नहीं अपने बेटे का वो ले पाए मेडल ले पाए फिर उसके बाद कोर्ट का डिस्प्यूट उन्होंने जब खत्म किया तो उस महिला ने लाखों रुपए का जो बेनिफिट है वो लिया और मेरे ख्याल से फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड हुआ कोर्ट के डिसीजन से और जो मेडल है वो माता पिता ने बोला कि मेडल नहीं हम लोग दे सकते मेडल प्लीज आप हमारे को लेने दीजिए yeah. तो फाइनली उनको वो मेडल कोरियर द्वारा भेजा गया hmm. तो उनकी स्टोरी मैंने बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की तो आज के टाइम पे आर्म फोर्सेस में बहुत सारे आदमी हैं एक्सट्रीम श्विता में जो बॉर्डर्स के ऊपर पोस्टेड हैं मैं नाम नहीं लूंगी बट एक कर्नल साहब है जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ वो भी इस तरह के डिस्प्यूट झेल रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया था कि जो सबसे ज्यादा डेंजर एरियाज हैं ऊपर जम्मू हो गया जो भी बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं

और कोई मतलब श्वेता कोई लीनियंस नहीं है कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है कि भैया बॉर्डर पे पोस्टेड है देश का, देश का की सेवा कर रहा है हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है कम से कम एक ऑनेस्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन तो इनको अकॉर्ड कर दो यार एक फेयर इन्वेस्ट नहीं महिला कोई आरोप लगा देगी तो वो सिर्फ आदमी है फर्क नहीं पड़ता कि वो देश का सेवक है बॉर्डर पे अपनी चौबीसों घंटे ड्यूटी दे रहा है दुनिया को हमारी जनता को प्रोटेक्ट कर रहा है नहीं आ, औरत ने एग्जाम लगा दिया तो भैया वो भी सिर्फ एक आदमी है और कुछ नहीं है अभी एक केस किया था मैंने यूपी में सोल्जर है हमारे इंडियन आर्मी में और आ, अगेन उसी टाइप का थोड़ा केस था जो मैंने अभी आपका आपके साथ शेयर किया हजारों केसेस हैं खैर ऐसे तो बट 22 साल का लड़का है लेडी जो है बहुत बड़ी है उनसे आ, बट प्यार में पड़ गए और ट्रेन में मुलाकात हुई थी तो डेढ़ दो साल उनका अफेयर चला फिर उसके बाद जो है शादी करना चाहते थे वो फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत पता कराया जब उनके गांव से बैकग्राउंड वगैरह तो लेडी ने बोला था कि भैया हाँ शादी करते हैं वट एवर तो तो चला कि शादीशुदा है डिवोर्स भी नहीं हुआ है दो तो बच्चों की माँ है पहले भी ऐसे लोगों को फंसा चुकी है और वही इनके साथ किया इनके ऊपर रेप का केस लगा दिया वही शादी का झांसा देके और बाकायदा थ्रेटिंग करती थी कि तू देख और कुछ क्रिमिनल्स के साथ भी मिली हुई है वो बाद में पता चला उनको तो ये जो है ऑब्वियसली बात है सोल्जर है भैया झूठा केस कोई कर रहा है तो आप अरेस्ट अवॉइड करोगे ना तो ये अपनी एंटीसिपेटरी बेल की कवायद में इधर उधर फिर रहे थे उनके पिताजी को अरेस्ट डिटेन करके रख लिया तीन दिन थाने में और वो भी एक सोल्जर हैं रिटायर्ड सोल्जर हैं वो इंडियन आर्मी के तो ये इन, इंडिया के मेरे को एक लेफ्टिनेंट सुनो सुनो मेरे को एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने कांटेक्ट किया मैम आप प्लीज इस फैमिली की मदद करो मैंने सब चीजें देख ली हैं एफ वगैरह सब देख ली है फर्जी केस है और हमारा जो ये जवान है वो फंसा हुआ है इसको आप मदद करो मैंने फिर वो इशू रेज किया यूपी में बहुत सारे लोगों से बात की ये सब किया वो सब किया उस एस से, से भी बात की बहुत सीनियर ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया फिर तीन दिन के बाद जो है उन पिताजी को रात को साढ़े दस ग्यारह बजे हम लोगों ने वहां से थाने से उठवाया और अभी तो खैर उस जवान को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट से उस केस में स्टे मिल गया लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो ये है कि भैया कोई कोई डिफरेंसिएशन नहीं है कि चाहे आपने कुछ भी किया हो अपनी कंट्री के लिए लेकिन एलिगेशन yeah. एलिगेशन बस पड़ गया तो तो है सरकार नॉट दैट सेइंग कि इस वजह से कोई ही मिलनी चाहिए मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कोई आर्म फोर्सेस में तो वो कोई क्राइम नहीं कर सकता कर सकते hmm. हैं डेफिनेटली करते हैं बहुत सारे सोल्जर्स क्राइम करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है hmm. लेकिन आप एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो दे ही सकते हो इतना तो आप उनको

बिल्कुल बिल्कुल आता है रॉन्गफुल बिहेवियर में लेकिन पुलिस डरती नहीं है इन सब चीजों से कोई बहुत ज्यादा पेनल्टी नहीं है अभी एक दिल्ली का केस था उसमें आ, क्या कहते हैं, लेडी जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी उसको डांट मारी बस हाईकोर्ट ने एक आ, जनाब को बेल देते हुए झूठा रेप केस था जी, जिस रेप केस में वो जनाब अंदर थे वही महिला जो है पहले दो और रेप केसेस फाइल कर चुकी थी

तो क्या होगा उसके लिए थोड़े दिनों लाइन लग जाएगी जाएगी वो उसके बाद फिर वापस आ हरियाणा में एक मोहतरमा थी जो पूरा गैंग चला रही थी ऐसे झूठे रेप केस करवाने का वो सस्पेंड भी हुई लेकिन फिर दोबारा अब उनको पोस्टिंग मिल गई है तो पुलिस में डर नहीं है बहुत ज्यादा श्वेता कि बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा जो कि ऑब्वियसली कोई वो, किसी लीगल उसके अंदर नहीं आता आप लगा नहीं सकते बट पे तो हुई बता रहे थे, पुलिस वाले उनको गाली गलौज कर रहे हैं उनके साथ नो you know, उनको मतलब हाँ? कॉमन है बहुत कॉमन है मैट्रीमोनियल इशूज है उसमे इतनी बुरी तरह से उनकी बेइज्जती कर देते हैं सामने सामने बिठा के बूढ़े माँ बाप की इसीलिए तो लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है पुलिस के केसेस में इन्वॉल्व होने में भी इसीलिए पैसे दे देते हैं आदमी लोग इसीलिए जो परिवार है मैं तो पता नहीं कितने सारे परिवारों से ऐसे मिल चुकी हूँ जो पहले कोशिश की है कि भैया हम फाइट करेंगे फाइट करेंगे जब इतनी ह्यूमिलिएशन होती है तो फिर इंसान सोचता है कि भैया हाथ जुड़वाओ सही बात है और पता है एक और चीज होती है श्वेता आप देखो एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिगेशन उसी ऑफिसर के हाथ में एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पंगा लोगे पुलिस yeah. पुलिस पुलिस वाले से टेकिंग अ पंगा अगेंस्ट कम्युनिटी भाई भाई बहन बहन आप एक पुलिस वाले के खिलाफ अगर एक्शन करवा रहे हो तो दूसरा पुलिस वाला जो है वो आपको बहुत काइंड नहीं होगा ठीक है ज्यादा हाँ मैं कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं बताऊंगी लेकिन हम सब लोगों को पता है की तो करप्शन तो, है कितनी कट करप्शन भी तो बहुत ज्यादा है वही है की सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं और कुछ लोग हैं सिस्टम में अभी भी जो बहुत राइटर्स है और उनकी वजह से जो है लोगों को थोड़ा बहुत न्याय मिलता है आप मेरे को अगर बता पाओ लिस्ट डाउन कि कौन कौन से से लॉज हैं जिनसे हो रही है बताड़ना है क्या और क्या क्या है उसके। क्योंकि अपेरेंटली जहां तक पहले था भी चार पाँच छह साल पहले मैंने सुना था सिर्फ डावरी था फेक डावरी जो लगता था अब और लंबी हो गई है राइट हाँ 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 शादी खराब हो गई किसी भी वजह से ठीक है किसी भी वजह से एक्स वाई जेड एनी एक की अंडरस्टैंडिंग uh, के लिए मैं ये बोलूं कि आप अफेयर में अगर जाते हैं कोई लड़का लड़की का अफेयर होता है तो वो किस 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 चीजों की वजह से टूटता है आपने सुना है कि ब्रेकअप हो रहे हैं क्योंकि लड़का बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था लड़की से बहुत कम सुना होगा हा ठीक है मतलब किसी और चीज की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लेकिन सरप्राइजिंगली शादी के बाद सारे के सारे जो केसेस होते हैं वो दहेज के ही हो जाते अपने आप में हाँ तो तीन सौ चौवन तीन सौ छिहत्तर तीन सौ पिछहत्तर ये सारे कानून तो ऑब्वियसली पहले से थे और जो आप बोल रहे थे कि स्टॉकिंग मॉलिस्टेशन डेफिनेटली इनके अगेंस्ट प्रोविजन होनी चाहिए लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ महिलाओं के लिए है पुरुषों के लिए नहीं है तो मेरे पास तो बहुत सारे लड़के आते हैं जो जिन जो जबरदस्त हाँ? बहुत सारे लड़कों के साथ होती है दिमाग खो चुकी है अपना और इतने गंदे गंदे इतने मतलब सेक्सुअली लोडेड मैं तो उनको पढ़ती हूँ और मैं तो फिर सोचती हूँ कि भैया मतलब पता नहीं हम लोग कौन से जमाने के लोग हैं मुझे तो नहीं समझ में आता ऐसे मतलब लड़का अगर वैसा व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना किसी लड़की को तो पुलिस इमिडिएटली उठा के ले जाएगी उसको ठीक है लड़की भेज दे तो लड़का नहीं जा सकता है पुलिस के पास कंप्लेंट करने ये सारे प्रोविजन हो गए जो आईपीसी के बहुत पुराने ही प्रोविजन हैं फिर उसके बाद एक स्पेशल लॉ आया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वो सिर्फ महिलाओं के लिए है फिर उसके बाद एक लॉ आया सेक्शल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल वो सिर्फ महिलाओं के लिए है फिर जो हमारे मेंटेनेंस के कानून है उसमें सिर्फ एक सेक्शन है जो जेंडर न्यूट्रल है सेक्शन ट्वेंटी फोर एच में उसके अलावा वन ट्वेंटी फाइव जो है उसमें महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए मेंटेनेंस uh, का वो है अब uh, हाल ही में थ्री सेवेंटी सेवन मिस यूज होने लगा बहुत ज्यादा मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट में कि सेक्स किया हालांकि सेक्शन तो जेंडर न्यूट्रल है बट हस्बैंड थोड़ी ना कभी फाइल कर सकता है कि वाइफ ने अननेचुरल सेक्स करने के लिए बोला तो ये भी फिर इस्तेमाल होने लग गया तो क्या, क्या होता है कि सेक्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर बट व्हाट does that mean anal sex it could be बट ये डेलिनेट कर रखा है लाइक पॉइंट बाय पॉइंट नहीं नहीं But नहीं ये बहुत भयंकर लेवल पे प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि है, है, है हमारे बहुत सारे हमारे बहुत सारे तो ऐसे तो 498 भी भयंकर लेवल पे प्रॉब्लमेटिक है

ठीक है थ्री सेवेंटी सेवन में कन्विक्शन नौ साल तक की ओके उसमें महिला कह रही है कि ये डिल्डो और कोई तो कोई तो ऑयल, टेक्स मतलब ठीक हाँ, 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 है हाँ, हाँ. इनके पास वो सब चीजें रहते थे वो जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे और हालांकि मेडिकल जो टेस्ट है और शादी काफी लंबी शादी थी हा जी. काफी लंबी शादी ओके

वो जो आ, केस है अच्छा ये वो बोल भी नहीं सकते कि इनको बोलने कि ये दिमाग से ऐसे वैसे हैं कुछ नहीं बोल सकते <laughs> मैं तो पूछ मेरे इतने द... श्वेता मेरे इतने दुश्मन है यार समझ गया <laughs> मैंने ऐसे मैंने कुछ बोल दिया ना ऐसा तो क्योंकि तो बड़ी एंटी तो... फेमिनिस्ट बात कर मैं... रहे हैं ना ये लोग मैं मैं, मैं कैंसिल नहीं हो सकती किसी भी बट मैं तो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं जितने भी फेमिनिस्ट को फॉलो करता हूं मैं इंस्टाग्राम पर करता हूं एक्चुअल में वो सब किस सब बात करती है सेक्स टॉयज की

तो अब वो कहां से प्रोक्योर हुए हैं और कैसे प्रोक्योर हुए हैं एटलीस्ट जजमेंट तो नहीं बताती मेरठ में एक इफ uh, आई लक्ष्मी उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया थोड़ा बैकड्रॉप बताती हूँ मैं आपको तीन सौ का क्या है पूरा का पूरा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला कि भैया बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारी अति ये कि भाई ये नंबर्स देख लो लाखों लाखों लोग

अरेस्ट कर लिया तो कंटेम्प्ट में पुलिस के ऊपर भी उन्होंने बोला कि बकायदा हम लोग एक्शन लेंगे ठीक है तो उसके बाद से काफी चीजें थोड़ी सी सुधरी अब 2014 के बाद क्या हुआ कि ये जो एक वो होती थी ना अरेस्ट की तलवार वो हट गई नहीं। राइट नहीं। तो क्या हुआ लेकिन इन केसेस में क्या है कि जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक पैसे नहीं निकलेंगे नहीं। राइट क्योंकि मेन एम तो यही होता है जस्ट मतलब फोर का कन्विक्शन रेट जो है दो तीन है ठीक है 98% जो लोग हैं वो इनोसेंट माने जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो भैया उससे तो पैसेंट लोग निकलवाते थे राइट तो अब वो डर चला गया तो क्या हुआ ये अरनेश कुमार की जो ग्राउंड था वो ये था कि जितने भी लॉज हैं आईपीसी में जिनकी सजा सात साल से कम है उसमें गाइडलाइंस लागू होंगी अगर सात साल की सजा से ऊपर है सेक्शन कोई उसमें ये गाइडलाइन लागू नहीं होगी तो 377 की जेल टर्म क्या है दस साल तो 377 डाल दिया ताकि अरेस्ट हो जाए ठीक है फिर और भी इन्वेंशन होने लगी ससुर के ऊपर तीन डाल दिया देवर के ऊपर तीन सौ चौवन डाल दिया रेप केस डाल दिया एक दिल्ली की हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें लेडी ने 498 वगैरह तो किया ही हुआ था के ऊपर रेप केस डाला हुआ था अपने देवर के ऊपर रेप केस डाला हुआ था और फिर हाईकोर्ट में वो सारे के सारे केसेस हुए हैं क्यों लाख की सेटलमेंट हो गई, hmm. तो पूरा पूरा के के हुआ है जब से अर्श कुमार वाली जजमेंट आई लॉयर्स बताते हैं श्वेता करते हैं है अच्छी तरह से कि क्या देर से इंसान को कितना दिमाग लगता होगा ही गया

सोचो कि आपके साथ ये हुआ है वैसे तो हुआ नहीं है आपके साथ अगर ऐसे हुआ होता तो फिर तो दूसरी बात होती नहीं हुआ है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा थिंक दैट यू आर अ माद्री दीक्षित तो मतलब वो कॉल रिकॉर्डिंग में डालिए तो लॉयर्स गाइड करते हैं से दैट योर फादर इन लॉ हैज अ रोविंग आई एंड ही वाज़ ट्राइंग टू मैलस्ट यू तभी तो हम फिर पचास लाख रुपए मांगेंगे ना उससे और वो हंस रही है बंदिया याप तो think... कह रही है, मेरी मम्मी से भी yeah. बात कर लो मेरी मम्मी को भी कुछ <laughs> yeah, क्लैरिफिकेशन yes. एक यहाँ राजस्थान का केस था बताती हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। उसमें वाइफ ने हस्बैंड और उसकी सास के ऊपर दहेज और ये सब डाउरी तीन सौ सतर वगैरह का केस डाल दिया हस्बैंड ने अपनी माँ से अपनी के ऊपर रेप केस लगवा दिया मतलब ये हो रहा है और वो रजिस्टर्ड तो भी तो हो गया लाइक दिस हां बिल्कुल ओ oh, एब्सोल्युटली तो कि यस फीमेल कार्ड हमारे पास भी है मैं ऐसे के, मैं ऐसे केसेस में पुलिस स्टेशन में जाके लोगों के साथ मैंने पुलिस वालों से बात करी है पुलिस वाले कर, कहते हैं कर दो आप भी कर दो ऑब्वियसली उनका वर्ड कुछ आ रहा है सही बात है आप भी कर दो Ah, that's that's how insane things have become. See, to all those people who say कि पता नहीं कितने numbers हैं यारे बड़ा बहुत छोटे level पे हो रहा है ये सब हो रहा है वो सब हो रहा है ऐसे लोगों को एक बार किसी दिन weekend पे जाके अपनी आँखें खोलनी चाहिए कान खोलने चाहिए they should go and uh, have a uh, weekend uh, spent at some police station and sit down just sit down over there and observe what is happening in these police stations and they will बाँ know. बाँ hmm हर कोई आई वुड बिलीव सो क्योंकि मैं पता नहीं दो तीन लोगों को जानता हूं एंड जिस भी बात करो आज कल कर लड़कों में अपने जितने भी दोस्तों हर कोई जानता है किसी न किसी को यस यस एब्सोल्युटली तो जब कोई चीज इतनी देखिए कोई चीज की डेफिनेशन में कहूंगा साइंटिफिक या एम्पेरिकल तब होती है जब जनरल लाइफ में आपको दिखने लग जाए आपकी खुद के सराउंडिंग में एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं अपनी आंखों से तो वो yes. चीज बहुत ज्यादा हो चुकी है जैसे कोविड था किसी सबको अगल बगल होने दिखने लग गया सब लग आपको बीमार हो रहे हैं तब को कर रहे थे कि कुछ नहीं है एक्चुअल में बहुत ज्यादा फैला है Correct. आप उसको सेम एनालॉजी को यहाँ पे लो मैं तुमने लोगों को जानता हूँ जिससे कोई हद नहीं है किसी से ही बात करो उसके बाद चार है। तो एटलीस्ट किसी ना किसी की गॉसिप में होती होती हैं एब्सोल्युटली वेरी ट्रू डर है काफी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है बॉलीवुड की उनके साथ में वो मेरे काम को फॉलो करते थे तो मैं बॉम्बे गई थी उनसे मिली जी। उन्होंने मुझे मीटू की इतनी हॉरर स्टोरी सुनाई श्वेताब कहते जो बंदी चौल में रहती थी आज उसके पास श्वेता है इतने सारे लोग हैं और इतनी सारी कहानियां हैं और जो सामने आती हैं जहाँ पे केसेस रजिस्टर हो जाते हैं तो जो एक्चुअल नंबर्स है उसका बहुत छोटा परसेंटेज है कल मैंने एक सेशन दिया तो उसमें एंड में Uh, किसी ने कहा कि महिलाओं के साथ जो वायलेंस होती है वो एक लार्ज लेवल पे केसेस सामने आते दैट बट प्लीज ऑल्सो एक्नोलेज कि जो केसेस मिस के हमारे पास सामने आते हैं उनमें उनके बैकग्राउंड में कितने हजारों केसेस हैं जहां पे डर के किसी ने आवाज ही नहीं उठाई डर के पैसे दे दिए डर uh, के कभी कभी कुछ मुंह भी नहीं खोला अपनी प्रॉपर्टीज बेच चुके हैं अपनी जिंदगी खत्म कर चुके वो भी बहुत अनरिपोर्टेड डेटा है तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अनरिपोर्टेड डेटा बहुत होता है तो वो दोनों साइड पे अनरिपोर्टेड बहुत सारा है इट केन नॉट रियली बी अबाउट नंबर यू राइटली सैड एवरीबडी नोज दिस or somewhere everybody knows आई वुड इमेजन यहाँ पे आप बात जो करो केसेस की मोस्टली वो केसेस वो है यहाँ पे शायद के पास, I don't think इतना पैसा है तुम से अपर एस्टोर सोशल इकोनॉमिक क्लासेस में चले गए वहाँ पे पे status हो गया इंसान के साथ वो तो लेगा ही नहीं ऐसा केस अपने उसको पता है क्योंकि चाहे पुलिस तो मैं संभाल ले जाऊंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बट रेपेशनल डैमेज जो होता है वो भाई मेरे को स्टेटस में ले नहीं सकता तो भाई तुम

जो भी अपना है वो बेच वेच के दिया छोटे लेवल पे भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हाथ जोड़ के मतलब इसको खत्म करना चाहते हैं बिकॉज रेपुटेशनल डैमेज वो नहीं ले सकते भाई समाज में जीना मुश्किल कर देते हैं लोग इतना ज्यादा तो सिर्फ अपर एक्लेंस की बात नहीं है वो तो जो है पुलिस को मैनेज कर लेते हैं ठीक है ना लेकिन जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा एक्सटोर्शन का शिकार हो रहे हैं नंबर्स बहुत ह्यूज है अभी मैं परसों चौथे एक डायरेक्टर से बात करी थी जो लाइव कर रही थी जिन्होंने अभी वीडियो, वीडियो कैम स्कैम करके एक वेब सीरीज है। और बहुत सारे लोगों ने भी देखी है। तो बता रहे थे आपको ब्लैकमेल करते हैं ना तो बता रहे थे कि उनकी रिसर्च में कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं छोटे छोटे लेवल के ये लोग तो किसी को छोड़ते नहीं है ना ये लोग तो कोई ड्राइवर हो कोई कंडक्टर हो कोई बेचारा फैक्ट्री में काम कर रहा हो

Uh, इनका एक uh, वो था uh, गैंग ऑपरेटर महेश फोगाट तो बिनीता जो है बम्बल से जाके मिलती थी uh, लड़कों से और फिर उसके बाद होटल में चली जाती थी फिर एकदम से रेप रेप चलाने लग जाती थी अगले दिन वो पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाती थी और बोलती थी रेप की कंप्लेंट फाइल करेगी फिर ये बंदा महेश फगाट फोन करता था आई एम कॉलिंग फ्रॉम अ वेन एनजीओ यू नो सेड यस No, no. yeah. hmm. hmm. कि ई थी नहीं तो उसके बाद एक बंदे से डेढ़ लाख रूपये ले लिए एक बंदे से ढाई लाख रूपये ले लिए तीसरे बंदे से पांच लाख रूपये ले लिए तो लेने वाले थे तो मैंने गुड़गांव पुलिस से कॉन्टेक्ट करके फिर इन सारे विक्टिम्स को कनेक्ट किया फिर उनको ट्रैप करवाया फिर वो अरेस्ट हुए तो इनको कानून की बहुत अच्छी तरह से समझती इनको पता था कि और और मोहतरमा है जिससे लाख रुपए ले लिए बेटा तुझे पता है तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कितना बड़ा रेप का केस है तुम्हें पता है बेटा देख लो समझदार हो तुम तो हम अब हम लोगों ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी वो लड़का समझदार था उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी कर ली थी तो पुलिस वाली भी जो है अभी सस्पेंड हुई है उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गई इट्स अ बिजनेस जो मैंने आयुषी वाला केस किया था गुड़गांव में जिसने नाइन रेप केसेस करे हुए हैं उसमें एक मैं लेडी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कर रही थी जब मैं रिसर्च कर रही थी मैंने कहा मैम आपको पता है वो पांच पांच पहले रेप केस कर चुकी है आप लोग कैसे कह रहे हैं दीपिका जी ऐसी लड़कियां तो लक्ष्मी होती हैं लक्ष्मी

मुझे कोई काश लॉजिक समझा पाए औरत देवी है हमारे देश में औरत को देवी अबे क्यों देख रहे हो इंसान को फिर भगवान की तरह देख लो वहां तो मतलब आदमी को भी फिर देखो ना भगवान तो रख <laughs> <ना, laughs> है औरत भी देवी है चलो समझ गए ना मैं तो देव हूँ सुबह उठू मैं आराम से देखू अपने आपको शीशे में कहूँ कैन टॉक लाइक दैट

छोटे में, में को याद I'm 35, hmm. इतनी न्यूज आती थी, हुआ करती थी कि दिया. आजकल फिर भी वो चीज बहुत कम हो गई है बट आई एम

अगर किसी के साथ स्टॉकिंग हो रही है मैं चाहता हूं वो रुके स्टॉकिंग क्योंकि क्या पता पचास में से मैं कहूंगा हो सकता है फोर्टी नाइन पागल ना हो बट एक एक्चुअल में पागल हो सकता है जो उसको चाकू आपको yeah. मारते एब्सोल्युटली ये बहुत क्लियर है मैं मुझे ग्यारह साल बारह साल हो गए हैं आप ऑलमोस्ट इस इस इन, इन इश्यूज के ऊपर काम करते हैं मैं बहुत सारी मीडिया डिबेट्स में गई हूँ अब क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया है, तो मिस यूज को तो खैर जो फेमिनिस्ट की तरफ से आती है या जो राइट एक्टिविस्ट हैं उनको देखो ये तो कर ही नहीं सकती कि भैया नहीं है वो तो उनकी मजबूरी है हाँ, क्योंकि कोर्ट्स ने बोल दिया ठीक है अब आप कोर्ट्स के ऊपर तो क्वेश्चन उठा नहीं सकते हो ठीक है चाहे वो एक्सेप्ट आप करो चाहे ना करो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा न्यायालय बोल रहा है तो एटलीस्ट उतनी तो उनमें समझ है बट बोलेंगे इतना छोटा नंबर होता है सब लॉज का चार पांच उनके स्टडी आर्ग्यूमेंट्स हैं जब भी कोई आदमियों की बात करने लग जाए ठीक है कंट्री है 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 महिलाओं का का ऑपरेशन सदियों से हुआ लॉज सभी लॉज का मिस यूज होता है तो सिर्फ महिलाओं के लॉज के बारे में आप क्यों बोल रहे हो हाँ। और आ, अगर मिस यूज होता भी है तो हमारे पास प्रोविजन हैं ठीक है ये पांच छह आर्ग्यूमेंट्स है जिससे वो कंप्लीटली करती हैं इस चीज को ठीक है mm. जो बहुत अर्ली टाइम uh, के जो ऑफ ऑफ आई वुड कॉल देम द मेंस राइट्स मूवमेंट इन इंडिया वो लोग जब इस चीज के ऊपर आवाज उठाने लगे तब उन्होंने भी यही चीज बोला कि मैम आप इस चीज को डिक्लाइन मत करो इस चीज को इग्नोर मत करो एट द डे ये महिलाओं को भी हार्म करेगा कर रहा है और करेगा बिकॉज पीपल विल स्टॉप बिलीविंग राइट राइट तो तो किस को हार्म हुआ जेनुन विक्टिम्स को हार्म हुआ कि नहीं हुआ बट नहीं उन लोगों ने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर आदमियों की प्रताड़ना की एक्सेप्टेंस कर लोगे तो, तो औरतों की

I will not even share the 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 location because identification She 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 was was head of the state commission for for women and when she called me, I'll tell you, Shvitaab, she was literally crying for her grandson. जिंदगी बिता दी औरतों की मदद करते हुए और मेरे ऊपर मेरी बहू ने सारे टाइप के तो लगा रखे हैं

कि दिस दिस थिंग है मिसोजनी रेजेज इट्स वॉइस एक लेडी को ने ये क्राइम कर दिया तो सब हाउंड कर रहे हैं सब इतना बड़ा क्या मैटर बना रहे हैं एवरीबडी देख दिस हैज गिवन दिस केस हैज गिवन वॉइस टू द मिसोजनिस्ट ये सब वो सब करके कि पता नहीं मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हैं यार है आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप ये आप नहीं सोच रहे हो कि उसके दिमाग, में क्या नहीं, और इनको सब कोई प्रॉब्लम इनको तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब एक और सारा का सारा मीडिया के नौ वो श्रद्धा वाली स्टोरी जो दिल्ली में हुई थी वो चलेगी तो ठीक है उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब किसी आदमी को या सारे आदमियों को मॉन्स्टर बना के दिखा दिया जाता है प्राइम टाइम पे कभी प्रॉब्लम नहीं होती कभी कोई किसी ने लिखा हो एक आर्टिकल तो कोई मुझे दिखा दे कि भैया कोई सारे आदमी मॉन्स्टर नहीं होते हो, इतना ज़्यादा सेंटीमेंट क्यों बना दिया नहीं और खुद आर्टिकल्स लिखते हो कि सारे इस तरह के हैं पेट्रीआर की ये वो फलाना धमकाना एक बहुत ही ज्यादा है नहीं मैं बताता हूं असल में होता क्या है ना दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिसिंग है वो है क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जिस जो भी इंसान साइंस में रिसर्च में है उसको हुँ. पहला उसको कम से कम तीन साल रिसर्च करना सिखाया जाता है यानी कि तुम्हें सोचते कैसे हैं आर्गुमेंट फॉर्मेशन वो सिखा जाता है यानी कि तुम्हारे को साइटेशन एविडेंस फॉर्मेशन सब कुछ प्रॉब्लम ये है कि जब तक इंसान को ये नहीं सिखाया गया वो मूर्खता से ही सोचेगा इंसान का दिमाग इतना वो नहीं है कैपेबल आप चाहे पीएचडी एच डी करके बैठो आप लिटरेचर इंग्लिश एटीन हंड्रेड की ज्यादा 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 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेख ऐसे वाले लिखोगे जहां पे आप खुद ही नहीं देख रहे आपका बायस कितना हो आपका कैसे इंसान को कभी सिखाया नहीं कि भाई अपने बायसेस कैसे हटाते हैं तुम ये जो बात लिख रहे हो सोचने की सोचने अरे गलत चीज गलत है भाई चीज गलत है खत्म बात अपने बेटे को किसी ने बच्चे को अपने खत्म कर दिया भाई ये न्यूज नहीं होगी ह्यूमनली शॉकिंग नहीं है ये और वो सिर्फ खत्म कर दिया

लगता था सबसे ज्यादा क्रेजी स्टोरीज हैं इसी तरह की जहाँ पे महिला ने अपने बच्चे को मार दिया किसी बच्चे ने अगर उसको उसके लवर के साथ देख लिया ठीक है कोई बच्चा अगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ठीक है तो इतने सारे केसेस हैं लेकिन वो नहीं आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में कितने सारे केसेस हैं जो नहीं आते हैं लेकिन एक केस आ गया तो इन लोग को इतनी मतलब पता नहीं बिल्कुल ही आग सी लग जाती है कि भाई

जो स्कैमर होता है स्कैमर अगर मैं वर्ड के पीछे स्कैम भी ना बताऊं तो आपको पता है कि कुछ वो बेचेगा टेरा मेरा झूठ बोल के एंड में आपका वो ले लेगा बेवकूफ जब कोई कुकरम करता है उसका ना कोई एंड होता है और उसको भी नहीं पता उसने कुकरम की ग्रेविटी क्या है एग्जैक्टली exactly, तो वही तो वो कर रहा है राइचियसनेस के भाव से वो हाँ, एक्चुअली उसमें वह है कि मैं तो सही काम कर रहा हूं

पहले महिला की स्टेटमेंट भी होने दो पहले चार्जशीट भी फाइल होने दो ऐसे दस पंद्रह चीजें आपने बोल रखी हैं उससे पहले हम बेल नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे पूरा प्रोसीजरल सेटअप आपने कर रखा है यहाँ पे तीन तीन एफ दर्ज हुई है उनके खिलाफ तीन तीन उनके विक्टिम सामने आए हैं एक्सटोशन करी है आपने पूरा एक एक मोडस ऑपरेंडी आप चला रहे हो रैकेट आप चला दो महीने में बेल दे दी बताओ क्या अकल नहीं है उस जज में कि ये बाहर जाके दोबारा से यही केस करेगी कार्ड करेगी और वो कर रहे हैं

Seven years. उसने एम लूटा था ठीक है उसने अपने एक्स की बहन के दो तीन बार वो पहले जेल जा चुकी थी हर बार बाहर आ जाती थी जो लास्ट केस जो उसने जब वो जेल गई थी तब वो उस मैंने लेडी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बेचारी ने इतनी मेहनत करी थी सारी एविडेंसेस उसने जुटाई की महिला जो है रेप झूठा रेप केस करा, लगाने की धमकी दे रही है दस लाख रुपए की एक्सटॉर्शन डिमांड कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को धमकी दे रही है कि तेरी बहन के ऊपर एसिड में फेंक दूंगी इतनी अच्छी बिचारी ने एविडेंस बना के कोर्ट में सबमिट किया सात दिन में बेल दे दी उस प्रिया सेठ को दो महीने बाद उसने मर्डर कर दिया बट टू बी टू बी फेयर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे आदमी भी हैं उनको छोड़ दिया और उन्होंने दोबारा से बहुत हाइनस क्राइम किया

कितनी है कनेक्शन आपके पास पैसा कितना ज्यादा है क्लाउड कितना है वो सब चीजें बहुत मैटर कर जाती है ना हमारी क्लियरली बताया मुलायम यादव की भैया स्टेटमेंट कम भूले थोड़ी हैं मैं वही कह रहा हूं अगर एज लॉन्ग एज अ गाय और एज मैन वी के नॉट हम वी आर नॉट विलिंग और हम अलाउ नहीं कर करेंगे हम डिस्काउंट करने वाले भाई कि दूसरी तरफ है भाई हमारे है प्रॉब्लम हम नहीं कह रहे ये बात तो ये बात सेम चीज दूसरी तरफ भी अगर ये कह ले सिंपल कि भाई हम भी एग्री कर रहे हैं यहाँ पे है प्रॉब्लम तो मे बी दोनों कैन वर्क टुगेदर कि भाई हम थोड़ी मैं, भाई मर्दों में साइको नहीं होते स्टॉकर नहीं होते ऑफ कोर्स हम कह रहे हैं भाई पागल होते हैं भाई मेरे टाइमलाइन पे मेरे टाइमलाइन पे इतने केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे किसी महिला के साथ बहुत गलत हुआ है और मैं डिमांड कर रही हूँ भाई इसको जितनी जितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो सकती है उतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले ठीक है मैं तो इनफैक्ट आज आपके डिस्कशन में बोल रही हूं मुझे एक फेमिनिस्ट जो बंदी अपने आप को कहती है और जो एक पॉपुलर वॉइस है ये जो कर रही हैं ये तो गलत है एक पोस्ट मैंने तो आज तक नहीं देखी जितनी भी लीडिंग फेमिनिस्ट है ना इंडिया की मैंने तो आज तक कभी किसी की कोई एक पोस्ट नहीं देखी जिसमें वो इस तरह का किसी आदमी के साथ कुछ गलत हुआ और उस केस को उठा के

बिग बिजनेस बिहाइंडिस्ट है भाई मैंने हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं हम लोगों के केसेस में जाके इंटरव्यून करते हैं फ्री में काम करते हैं हमारे को तो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आज तक अवार्ड नहीं मिलते <laughs>

चीजे चलती हैं इंसान सोचता कैसे Crime and punishment, so. वो 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 की तुम्हारे ऊपर होता है किसी किसी का अगर वो बन बन जाए जाए साथी या तुम्हारा तो और, नहीं, नहीं, और की, की बैशिंग कितनी भी कर लो चाहे अपनी आर्ट में कर लो चाहे अपनी मूवीज में कर लो चाहे आपकी कुछ भी कर लो दैट इज ऑल फाइन ठीक है लेकिन भैया Lightly, अगर किसी को लगा ना कि भैया ये तो फीमेल बैशर है तो फिर तो मतलब ऐसे वो वो है 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 ना तुम्हारा हमारा जल जल जला आ जाता जल जला जाता <laughs> रहा है वो, <laughs> और सब, इंडिया की सबसे बड़ी मूवी भी हो जाती है फिर वो, आ, वो ये तो, बात सही है तो, आपकी तो, सही तो, बात है मुझे समझ में आती है वही बात या? है कि अगर अगर उसको बॉयकॉट कर रहे हैं तो बहुत सैड बात है आपको बताना चाहूंगा सब उनमें से कोई एक्शन आर्टिस्ट नहीं है

और या फिर कबीर में उसने थप्पड़ मार दिया तो वो भी प्रॉब्लम है उसके साथ बिल्कुल गलत है कोई कोई, को, कोई उसमें डाउट नहीं है ना ये तो मूवीज एट द एंड ऑफ द डे फिक्शन है आज के टाइम पे कितनी वीडियोज आती है श्वेता कोर्ट में पत्नी अपने पति को पीट रही है रोड पे लड़कियां लड़कों को पीट रही हैं किसी कैब ड्राइवर को पीट दिया पच्चीस थप्पड़ मार दिए हाँ हर जगह पे कहीं पे कुछ बोल दिया कहीं पे गालियां दे दी कहीं पे कुछ कर दिया कहीं पे कुछ कर दिया मुझे तो नहीं दिखता यहाँ पे उस चीज चीजों के ऊपर इतना ज्यादा आउटरेज भैया आप आदमियों को पीटने को मेन स्ट्रीम कर रहे हो लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर किसी ने बनाई है तो फिर आप उसके वहां पे आप फिर ग्रेट डिग्री अगर वेमेन कर रही है कमिट उसको अगर कॉन्टेक्स्ट के एक कॉन्टेक्स्ट में डालो तो तो हम लोग अपलोड करते हैं ना इं, इंडिया में देखा yes. ब्रेव कहा oh yes, सिस्टर्स, सिस्टर्स तो तो hmm. बेल्टों से बे, बस में hmm? Hmm. मैं दूसरे लोगों की क्यों बोलूं श्वेता मैं भी थी उन लोगों में ठीक है ना क्योंकि मैं हरियाणा से हूं मुझे पता है ऐसी चीजें होती हैं ठीक है लेकिन जब उसके बाद जब उल्टी चीज मतलब जब रियलिटी आई तब पता चला कि भैया पता नहीं कितनों को पीट चुकी थी के से, hmm. तो लेकिन तो सब का यही है कोई भी नहीं बोलता है कि भैया कुछ गलत है कोई भी नहीं बोलता यार कोई भी नहीं बोलता अभी तक क्या होता था, था? श्वेताब की हमारे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो केस है जो रेप के जो केसेस है थ्री सेवेंटी फाइव थ्री सेवनटी सिक्स ठीक है तो वहां पे लड़कियां जो हैं अगर उनका ब्रेकअप हो जाता था ऐसे हजारों केसेस हैं इंडिया में जहां पे उन्होंने बोला कि उन्होंने कंसेंट सेक्स के लिए इसलिए दी थी क्योंकि आगे के लड़के मतलब जिस लड़के के साथ जिसके ऊपर कंप्लेंट करी है वो उसने उसको शादी का झांसा दे के सेक्स किया ठीक है तो इसको माना जाता है कंसेंट ऑन मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट ठीक है अब वो मिसकंसेप्शन ऑफ कौन सा फैक्ट है और कौन सी चीज की मिसकंसेप्शन हुई वो मेरे को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है बट सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में उस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई किया और थोड़ा आ, उसको इन इन डिटेल उसको डिस्क्राइब किया गेट द गर्ल इनटू हैविंग सेक्स विद हिम जबकि वो शादी करना चाहता ही नहीं है इन्सेप्शन से ही जो वो बोल रहा है कि मैं तुझसे शादी करूंगा वो एक झूठा प्रॉमिस है yeah. तो उस बंदे को आप उस कंसेंट को आप वैलिड कंसेंट नहीं मानोगे विशिएटेड कंसेंट मानोगे वो आप और उसके वो जो है वो रेप माना जाएगा ठीक है लेकिन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऐसे हाथ मत पकड़ो ठीक है तो और लेकिन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस यानी कि अगर प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई शादी करूंगा लेकिन अनफॉर्चीन सर्कमस्टांसिस की वजह से या पेरेंट्स नहीं माने या कुछ और हो गया या एक्सीडेंट मतलब कुछ भी हो गया जिसकी वजह से जो आपने प्रॉमिस किया था उसका ब्रीच हो गया दैट विल नॉट बी कॉल्ड रेप तो मैं वो जो आप पहले बोल रहे थे ना सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एटीट्यूड भयंकर सब्जेक्टिव इतनी 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 डिफरिंग डिफरिंग जिसकी कोई कमी नहीं ठीक है मतलब एक ओडिसा कोर्ट ये कह रही है कि भैया ये कानून जो है इसका पूरा रिव्यू करो भैया हम लोगों ने यहाँ पे शादी के झांसे को रेप कहीं पे बोला नहीं है और हजारों हजारों आप केसेस डाल रहे हो तो इसको रिव्यू करो yeah. <laughs> रिव्यू तो क्या करना था हमारे कानून बनाने वालों ने जो इंडियन पीनियल कोड को भारतीय न्याय संहिता में जिन्होंने या पूरा का पूरा जो ओवरऑल मतलब चेंज किया है नाम किया है और आ, पूरा का पूरा कहते हैं कि आ, चेंज मतलब ओवरऑल किया है हमारे लॉज को या दुरुस्त किया है बेटर किया है हालांकि मैं तो नहीं बिलीव करती बट स्टिल आई कुड बी रॉन्ग बट आ, इन लोगों ने क्या किया कि जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं ये नहीं देखा कि इन केसेस की रियालिटीज क्या हैं एक नया कानून ला दिया है वो कानून ये कहता है इफ यू इफ अ मैन हैज सेक्स विद अ वूमेन बाय डिसीट देन ही विल बी पनिश्ड नॉट अमाउंटिंग टू रेप दिस विल नॉट अमाउंट टू रेप बट द मैन विल बी पनिश्ड अप टिल टेन ईयर्स ऑफ जेल एंड विद फाइन नाउ व्हाट इज दिस डिसीट डिसीट को चार चीजों में डिफाइन किया है एक कि अगर आप उसको शादी का झांसा देते हो दूसरा अगर आप उसको नौकरी का झांसा देते हो तीसरा अगर आप उसको प्रमोशन का झांसा देते हो और चौथा अगर आप आइडेंटिटी सप्रेस करके उसे शादी कर लेते हो तो आइडेंटिटी सप्रेस करके शादी कर लेते हो तो वो बेसिकली मैं लव जिहाद के उसमें डाल दूंगी या कोई भी इंसान अपनी कास्ट या फिर अपना आइडेंटिटी हाइड करके किसी महिला के साथ शादी कर लिए तो उसमें भी ये सेक्शन 69 आ जाएगा तो बेसिकली कानून ये कह रहा है कि अगर डिसीट से कंसेंट ली गई है तो हम उसको दस साल तक की सजा देंगे रेप नहीं होगा वो हम मान रहे हैं कि वहां पे कंसेंट दी गई थी लेकिन डिसीट से अच्छा रेप वर्ड नहीं, नहीं है बट लेकिन दस साल की सजा है भाई चलते पहले,

उन्नीस से मैंने रेप केसेस की जो फजीती हो रही है हमारी कंट्री में उसके ऊपर काम करना शुरू किया था फिर 2021 में मैंने इंडिया रिलीज करी जो कि झूठे रेप केस के विक्टिम्स की कहानी है तो ये जो शादी का झांसा दे के रेप वाले केसेस है ना hmm. इसमें एक दिन के रिलेशनशिप ट्रस्ट मी व्हेन आई से रिलेशनशिप भी नहीं बोलू एक दिन का रिलेशनशिप नहीं होता भाई एक दिन की मीटिंग होती है एक दिन सिर्फ आप मिले उस बंदे से वहां से लेकर तीस साल तक के रिलेशनशिप शादी का झांसा दिया था इसलिए इतने सालों से या फिर एक दिन में ही आ, इसने मुझे शादी का झांसा दे दिया और उसी की वजह से मैंने इसके साथ सेक्स कर लिया ऐसे केसेस फाइल हुए ठीक है किसी का पांच साल का अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक केस कौश किया है जिसमें लेडी और जो आदमी था जिसके ऊपर उसने रेप केस लगाया शादी का झांसा देके रेप केस लगाया वो चार साल कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे और उसके बाद लेडी ने उसको रेप का अक्यूज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है ये केस बनता नहीं है अब प्रोसेस ऑफ लॉ का अगर हम इसको कॉश नहीं करेंगे तो उन्होंने कॉश कर दिया और इस केस में उस महिला और उस पुरुष का एक बच्चा भी हो चुका था लेकिन फिर भी उसने उसके ऊपर रेप ऑन शादी का शादी का झांसा देखकर रेप का केस लगा दिया अच्छा मैं एक ऐसे ऐसे केसेस कर चुकी हूँ जहां पे एक ही लड़की ने नौ लड़कों के ऊपर शादी का झांसा इसने भी शादी का झांसा दिया इसने भी शादी का झांसा दिया इसने भी शादी का झांसा दिया ठीक है आज के टाइम पे मैं कम से कम से भी केसेस कर रही है। रेप क्यों ले रहा है? इसका मुझे चीज समझ नहीं आ रही अगर दो मैं अट्ठाईस के साथ एज लॉन्ग एज वो चक्कू नहीं मार रहा लड़की चक्कू नहीं मार रही एज लॉन्ग उसको प्रताड़ना नहीं कर रहा असोल्ट नहीं कर रहा हरास नहीं कर रहा ब्लैकमेल नहीं कर रहा कोर्ट क्यों अपने नाक डाल रहा है कॉमन सेंसियर

फिर तो उसके बाद ना उसने मुझे एक दिन बोला कि मैम नाउ आई गैदर्ड पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स बिलीव दैट देयर बॉय देयर सन कैन नॉट रेप या इट जस्ट हिट मी एंड आई थॉट कि दीपिका तुम्हारे पास क्योंकि बहुत ज्यादा झूठे रेप केसेस आते हैं तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ही इट डजेंट मैटर मतलब बहुत ही छोटी हो गई है बट जिन जिस बंदे को बोला जा रहा है कि मैं तेरे ऊपर रेप केस लगा दूंगी उसकी साइकोलॉजी से सोचो कि एक रेपिस्ट का टैग होना माय गॉड एंड एंड देन इट जस्ट हिट मी दैट्स द प्रॉब्लम इतने इतने झूठे झूठे केसेस केसेस जैसे दहेज का कानून मजाक बन गया आप रेप जैसे हाइनेस्ट क्राइम का मजाक बना रहे हो इस तरह के कानून ला के यार कल मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ थी वो मुझे यही बोल रही थी कि दीपिका दिस इज क्रेजी यार मतलब एक रेप विक्टिम किस चीज से गुजरती है अपने मुंडवा लिया था। mm -hmm. ये सोच के कि भाई मैं कोई मुझे देखे ही ना। और यहाँ पे तुम बोल रहे हो तुम। भी लगवा रहे हो मैं लखनऊ में भी होटल में गई दिल्ली में भी होटल में गई बॉम्बे में भी होटल में गई वहां पे भी शादी का जायजा दिया वहां पे भी अरे यार मतलब नॉनसेंस है यार ये बिल्कुल क्रेजी है मैंने एफआईआर पढ़ी है श्वेता उसमें लड़की पता है क्या लिख रही है रात के ढाई बजे मैं गुरुद्वारे के बाहर खड़ी थी मैं इस लड़के के साथ उसकी गाड़ी में जाके बैठ गई उसने मुझे शादी का झांसा दे दिया और शादी का झांसा देके रेप कर दिया ये एफआईआर में लिखा हुआ है तो ढाई बजे गुरुद्वारे के बाहर क्या कर रही है तो उसकी गाड़ी में जाके क्यों बैठ गई तो उसको कैसे जानती है वो तुझे गाड़ी में बैठती शादी का झांसा कैसे दे सकता है ये एफ आई आर में और एफ आई आर रजिस्टर्ड है मतलब कोई कोई सर पैर नहीं, नहीं। है इतने सारे केसेस में लेकिन पुलिस एफ आई आर लिख रही है बंदे को अरेस्ट भी कर रही है आप उसको अंदर डाल रहे हो महीनों महीनों सालों सालों के रिलेशनशिप चल रहे हैं

अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और मैं मैं कह रहा हूं लड़की से कि मैं तेरे को जॉब दूंगा बड़ी वाली मेरे साथ सेक्स कर ले लड़की मेरे साथ सेक्स कर लेती है और अगर मैं उसको जॉब दे देता हूं तो फिर तो मेरे पास केस नहीं होगा क्राइम नहीं है यस yes, नहीं लेकिन लेकिन ब्लैक नहीं है लेकिन नहीं है, लेकिन नहीं? लेकिन, नहीं? लेकिन अगर जॉब में उसको सिर्फ तीस हजार रूपए प्रति महीना मिल रहा है जी। और ये केस करके वो आपसे तीन लाख सकती है तब भी केस हो no, सकता but है बट मैं कह कितना स्टूपिड लॉ यस अबे वो जो हम लोग कहते थे कि वो लैडर कॉर्पोरेट लैडर चढ़ते हैं बहुत सारे लोग सेक्शुअल फेवर्स दे के और इस चीज को इतना डाउन देखते थे हम लोग कि भैया क्या है लोग ऐसे जो करते हैं जी। उसको अब कानून में लेकर आ रहे हैं कि भाई अगर प्रमोशन मिल गई तो सब ठीक है अगर जॉब मिल गई तो सीट ठीक है लेकिन अगर जॉब नहीं दिया प्रमोशन नहीं दी तो मुझे रही आ, मैं कितनी सारी चीजें बोलना चाहता हूँ फंडामेंटल लेवल पे ये तो हेरासमेंट होना चाहिए ना प्लेस हेरासमेंट हुआ ना अगर कानून है

और अगर वो अडल्ट है, 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 है तो वो उसका मैटर हाँ तू हाँ नहीं बोलती तो वो हरेसमेंट होता और तू हरे का केस फाइल करना लड़के पे अब ऑलरेडी पूरी देश की पुलिस जब लड़कियों के लिए खड़ी हुई है और अगर कोई तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे तुम रिकॉर्ड कर सकते हो कॉलो किसी भी कर सकते हो सिंपल पुलिस के पास जाओ भाई मैं यहां पे काम कर रही हूं हम खड़े होगा तुम्हारे साथ यार

Which means, मेरे को requirement yes. है और उसके लिए मैं sex करने को मेरी क्राइम है 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 जो सरकार कहती है, crime है। और मैं कह रही हूँ तो 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 है। है, सबसे बड़ी बात जो जो क्वेश्चने चीज है वो ये है कि जहां पे आप ये कह रहे हो कि भैया माई बॉडी माई चॉइस ठीक है ना मैं अपनी बॉडी को किसको देती हूँ या मैं अपनी बॉडी को किस तरह से यूज करती हूँ या मैं किसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में डल्ज करती हूँ या मैं शादीशुदा शुदा हूँ तो भी मैं अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती हूँ ये मेरी चॉइस है भाई एक जगह तो पे आप एक जगह तो आप ये बोल रहे हो और दूसरी जगह पे आप ये बोल रहे हो कि अगर आपको कोई शादी का झांसा दे रहा है अगर आपको कोई जॉब का झांसा दे रहा है अगर आपको कोई प्रमोशन का झांसा दे रहा है आप अपनी चॉइस ना ना बोलने की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग बैटल टू अपोज दिस लॉ बट व्हाट आई रियली वांट टू से इज कि चलो कोई शादी का अगर आपको बोलता है आप एक परसेंट को चलो मानते हो कि बंदे ने इमोशनल कर दिया वो बंदी भावनाओं में बह गई और उसने ये सोचा कि इस इंसान से मेरी शादी होनी वाली है तो शादी के साथ तो चलो आप एक फिजिकल रिलेशनशिप को अटैच कर लेते हो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो शादी के बाद करना था शादी से पहले कर लेते हैं चलो ठीक है प्री मैरिटल सेक्स एंड ऑल ऑफ दैट ठीक है बट वो भी चॉइस से ही होता है कंसेंट से ही होता है बट चलो एक बार सोच लिया आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि भैया उसने शादी का झांसा दिया था और झूठा झांसा दिया ने, ने, था आपके साथ बंदे ने चीटिंग चलो चीटिंग करिए उस बंदे ने ठीक है ठीक है वहां पे तो चलो आप अपनी अपनी कॉन्शियस मतलब अपनी कॉन्शियस चॉइस नहीं कर पाए चलो क्योंकि उस बंदे ने आपको इमोशनली भी मैनिपुलेट किया आ, आ, पर जॉब यार आप बोल रहे जॉब के लिए सेक्स कर लो अब बोल रहे प्रमोशन के लिए सेक्स कर लो अरे भैया मतलब क्या मत, कोई मतलब है इस चीज का आप तो फिर बोल रहे हो कि हाँ भैया जॉब के लिए सेक्स कर सकते हैं जॉब नहीं मिली तो फिर क्राइम होगा प्रमोशन के लिए सेक्स कर सकते हैं मतलब यार हु हैज इवन ड्राफ्टेड दिस थिंग आई एम सॉरी टू से बट दिस इज नॉनसेंस ऑफ दाइएस्ट ऑर्डर श्वेता आप आप एक एक बात बताओ आप एक कानून लाते हो आप पहले तो बोल रहे हो कि कानूनों में प्रॉब्लम नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है आप इतना ज्यादा वाहियात कानून लेकर आते हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या करवा लोगे आप करेक्ट बताना जरा इतने सारे केसेस मेरे पास है जहां पे चौंतीस चौंतीस पैंतीस पैंतीस साल की शादीशुदा बच्चों की माए बाईस साल के लड़के के साथ वो सेक्स कर रही है और उसके बाद उसी के ऊपर केस लगा रही है कि इसने तो मुझे शादी का झांसा देके रेप किया है बहुत सारे केसेस कर चुकी हूँ मैं ऐसे जहां पे तो वुमेन टू द बॉय उसके बाद बोल रही है कि शादी का झांसा देखिए रेप किया है अब भी अब भी अमृतसर का केस बताती हूँ कुछ ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया है मेरे पिछले चार दिन से उस बहन की मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया है उन्नीस साल का लड़का है उसे तेईस साल की लड़की इंस्टाग्राम पे मिलती है खुद अमृतसर जाती है खुद होटल उसको बुक करने के लिए बोलती है खुद उसके साथ एक रात वहां पे रहती है अगले दिन बोलती है शादी कर मेरे से उन्नीस साल का लड़का है यार वो बोल रहा है ये क्या हो गया फिर वहाँ पे ड्रामे करने लगती है चीखने लगती है उसकी माँ को गाली दे रही है कंप्लेंट करने जाते हैं पुलिस पता है क्या बोलती है जी तुम तो ब्याह कर दो नहीं तो तीन सौ छहत्तर लावंगे बताओ यार वो बेचारे उसका ब्याह कर देते हैं एक्चुअली नॉट दैट सुनो सुनो शादी हो गई आज के टाइम पे उनकी ये सारे पिछले पंद्रह दिन की बातें हैं शादी हो गई है लड़की लड़के को लेकर होटल में रह रही है हर रोज उसको मार रही है हर रोज उसको पीट रही है ऐसे छलनी पूरा कर दिया है मेरे पास विडियोज आई हुई है फिर फैमिली को पता चलता है दो और केसेस अबोहर पंजाब में पहले ऐसे कर चुकी है तो ये तो क्रिमिनल हुआ ना ये क्रिमिनल है श्वेता और पुलिस पुलिस जो एक अथॉरिटी है नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज इज डूइंग रॉन्ग दे आर टेलिंग दैमिली टूगेदर नाइनटीन ईयर ओल्ड टू द गर्ल उसकी मैरिजेबल हेज भी नहीं है यार मतलब अक्ल से पैदल लोग यार आप लॉ इम्प्लीमेंटेशन में बिठा रखे आपने टू दी एक्सटेंट ऑफ दिस तो फिर कौन से आप कानून की सही इम्प्लीमेंटेशन करवा लोगे और जो इतनी सारी इनोसेंट लॉ लाइव कॉम्प्रोमाइज होंगी जो आज के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है हजारों केसेज है ऐसे हजारों आप कैसे उनको आंसर करोगे यार

बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो बहुत कहती हैं हम बहुत स्टॉन्च uh, फेमिनिस्ट हुआ करते थे जब तक हमारे भाइयों के साथ नहीं हो गया ये तो भैया वही मैं बोल रही हूँ आग लगेगी तो हर जगह ही पहुंचेगी आप ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे क्या करना चाहिए लड़कों को श्वेता आप सब लोगों को है ना आउटरी मतलब आउटरेज तो नहीं है, सब जब तक बिल्कुल अति नहीं हो जाएगी ना मैं आपको बस यही बोलूंगी जब तक बिल्कुल अति नहीं हो जाएगी तब तक मुझे लगता है सोल्यूशन आना कम है बहुत पॉकेट्स में ये बात हो रही है जैसा आप बोल रहे हो सब लोग किसी ना किसी को जानते हैं बट ये जो सब लोग किसी ना किसी को जानते हैं वो आज भी उस फेज में हैं जिस फेज में महिलाएं होती थी सेवेंटीज और एटीज में कि अगर कुछ महिला के साथ गलत हो जाए तो चुप रहना समाज में बदनामी हो जाएगी समाज में बेशर्मी हो जाएगी तो एक बदलाव आया है समाज में जहां पे महिलाओं को ये बताया गया कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए आपके साथ कानून साथ में है हुँ, आपके हुँ, लिए हम लोग कानून ला रहे हैं आपके साथ एक समाज साथ में है सिस्टम साथ में है पूरा सपोर्ट है आप पूरा तो जब तक वही चीज वही एक सपोर्ट वही और बहुत एक समाज में बदलाव नहीं आएगा कि भैया हाँ आदमी के साथ भी गलत हो रहा है तो यार आप डरो मत सामने आओ अपनी आवाज उठाओ और बहुत लाखों लोग आके आवाज नहीं उठाने लगेंगे जब तक तब तक बदलाव नहीं आएगा मुझे बारह साल हो गए हैं मैं मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ कि और कम से कम तीस साल चालीस साल कम से कम लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब शायद कोई चेंज आएगा क्योंकि इतनी आई वुड बी आई वुड बी ग्लैड टू बी करेक्टेड बट मुझे ऐसा नहीं लगता है बट टेलीग्राम का एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है इस uh, सेक्शन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि जितने भी इंस्टेंट अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें एक पिटिशन हमने ड्राफ्ट की है जो हमने होम मिनिस्टर अमित शाह को अड्रेस की है कि इस कानून को जो है रोल बैक करना चाहिए लाना ही नहीं चाहिए और अगर वो नहीं मानते हैं कि नहीं भाई हम लोग तो वापस नहीं लेंगे हमने तो कानून सोच तो समझ के लाया है तो एटलीस्ट रिव्यू में ये कानून टू हंड्रेड परसेंट जाना चाहिए तो प्लीज जॉइन अस आई वुस्ट है वो तो मैंने शेयर कर दिया है

तो हम लोग तो अपने लेवल पे सब कुछ कर ही रहे हैं लेकिन बहुत बहुत सारे लोगों की हमारे को मदद लगेगी इस चीज में एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी जब फोर आया था 1983 में तो कुछ हजार केसेस से शुरू हुआ था फिर लोगों को समझ में आने लग गया कि भैया अगर ये तो भैया लाखों रुपए मांग सकते हो आप तो केस लगा के पति और उसका परिवार तो लाखों रुपए दे देगा जो आज के टाइम पे करोड़ों की डिमांड्स पहुंच गई हैं दो दो करोड़ तीन तीन करोड़ पांच पांच करोड़ रुपए की सेटलमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड Uh, वहां पे हो रही हैं हमारे कोर्ट्स में हो रही हैं ये सेक्शन 69 आएगा स्टार्टिंग में कुछ हजार केसेस होंगे कुछ सालों बाद ये लाखों का आंकड़ा पहुंच जाएगा आज के टाइम पे हमारी कंट्री uh, में लगभग टू uh, 1.5 लाख 498 केसेस ऑन रिकॉर्ड होते हैं अगेन बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे सिर्फ धमकी लेके पैसे निकलवाने लिए जाते हैं और एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ठीक है ऐसे केसेस अक्रॉस इंडिया हो रहे हैं ऑन डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड हो रहे हैं जहां पे कोर्ट कह रही है कि इस लड़की ने रेप का केस लगाया है बोल के कि शादी का झांसा दिया इस लड़के ने पर अब ये लड़का बोल रहे शादी कर लेगा तो हम केस को खत्म कर देते हैं ठीक है देतेक्शन सिक्सटी नाइन लगाएंगे लड़के को अंदर बिठाएंगे जेल में फिर उसके बाद बोलेंगे कि बेटा तू शादी कर ले ठीक है शादी नहीं करेगा तो तेरे को बेल नहीं मिलने देंगे लड़का बोलेगा ठीक है जी मरता क्या ना करता मैं शादी कर लेता हूँ ठीक है वैसे तो शादियां हो जाएंगी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे सेटलमेंट हो जाएंगे वही जो 498 ए में होता था वही सेक्शन 69 में होगा ठीक है और जैसे बिहार में पकडवा विवाह होते हैं ना हाँ। तो कोई लड़का अगर बहुत गवर्नमेंट जॉब में लग गया है अच्छे खानदान का है पकड़ के जबरदस्ती शादी करवा दो हम्म पकड़ने की जरूरत ही नहीं भाई सेक्शन 69 लगा दो और एक और चीज श्वेता ऐसे केसेस मैं हैंडल कर रही हूँ जहां पे आदमियों को झूठे रेप केसेस में फसाया गया है जहाँ सेक्स नहीं हुआ था कोई मेडिकल एविडेंस नहीं होगा इन केसेस में में लड़की लड़का आपस में एक दूसरे को जानते हैं महीने के तक उनकी बातें बातें चली कहीं पे घूमने फिरने चले गए होंगे लड़की को सिर्फ ये बोलना है कि मैं उस दिन यहाँ पे इसके साथ वहां पे गई थी जी। इसने मेरे को शादी का झांसा दिया और हमारा सेक्स हो गया दो महीने पहले कहीं हुआ नहीं हुआ क्या मेडिकल एविडेंस दोगे आप नहीं कर सकते सेक्स नहीं भी हुआ तो भी लड़की बोल रही है भैया सेक्स हुआ है yeah. तो हुआ है लड़का क्या प्रूफ देगा कि सेक्स नहीं हुआ लड़का क्या प्रूफ देगा कि उसने शादी का प्रॉमिस नहीं किया व्हाई हैज दिस फ्लॉ बीन ब्रॉट अप आई डोंट नो मतलब ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट थ्रू आरटीआई वी आर फाइलिंग द आरटीआईस एंड ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल बट कुछ तो सेंसेस कुछ तो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए यार आप किसी कानून को लेकर आ रहे हो उसके पीछे कुछ तो फैक्ट मतलब मैं समझना चाह रही हूं कि सेक्शन बी एन ए से एग्जैक्टली exactly कौन सा क्राइम कंट्रोल करना चाह रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो रहा था कौन सा क्राइम क्या क्राइम कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे जो चौथी चीज है चौथी चीज क्या थी आ, मैं आ, वो सही आपने बात बोली चौथी चीज थी आइडेंटिटी हाइड करके हाँ आइडेंटिटी सप्रेस कि लेकिन इस, अगर इस आप किसी से या शादी आपने हो चार चीजें करी चलो अगर उसको हटा दो बाकी तीन चीजें तो मुझे एकदम उल्लू के पट्टो वाली चीजें लग रही हैं टू वेरी देखो और मैं आपको रीजन बताती हूँ बहुत कैंडिडली रीजन बताती हूँ श्वेता मेरे को कोई दो राय नहीं है इस चीज को बोलने में ठीक है बेसिकली लव जिहाद इज अ प्रॉब्लम जी इट इज डॉक्यूमेंटेड इन इन्यूमरेबल केसेस जहां पे लड़कों ने मुस्लिम लड़कों ने अपना नाम बदल के राहुल ये वो फलाना धनकाना करके लड़की को एक रिलेशनशिप में इंड्यूस किया फिर उसके बाद शादी कर ली या फिर करने के लिए बोला जब उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला इट इज अ प्रॉब्लम एन आई टोटली एम विदर्नमेंट ऑन दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूपी में योगी जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज को एड्रेस करने के लिए लॉ लेकर आ गए

भाई हमारे पास है कानून क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए भाई ओके okay. आप किसी को जेल पहुंचा सकते हो कन्विक्ट करवा सकते हो 406 का क्या है है मेरे ख्याल से दो तीन साल तो है, या आई एम नॉट टू श्योर अभी नए भारतीय न्याय संहिता में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की क्या कन्विक्शन टर्म है hmm. बट है कानून हमारे पास yeah. लेकिन वहां पे भी फिर क्या होता कि अगर सात साल से क्योंकि कम की सजा है तो इमीडिएट अरेस्ट नहीं होते चलो ठीक है कम से कम पुलिस एक बार बुलाए बंदे को

डिसेप्शन कोई आदमियों का कॉपीराइट नहीं है या yeah. लड़कियां भी डिसीव करती हैं yeah. लड़कियां, yeah. भी yeah. So है, है. लड़कियां भी झूठ बोलती हैं प्रोटेक्शन लड़कियां भी फरेब करती हैं तो लड़कों को अगर आप कंसेंट consent... ना तो अगर लड़की अपनी आइडेंटिटी छुपा के कर रही हो अच्छा हम मतलब, मतलब ही नहीं बनता नो इट्स ओनली फॉर रिवर्स में नहीं होता अगर लड़का कन्वर्ट कर रहा है लड़की ने क्या किया आपने आपको करवा के लड़के को कन्वर्ट करवाया

वो इमोशनली फंसा के किसी को रिलेशनशिप में प्यार का दिलासा देके कुछ भी कर कर आके भाई तो भाई दोनों तरफ होना चाहिए ना उसमें तो अगर प्रोटेक्शन करो कि कोई रॉन्गफुल डिसेप्शन के मीन से कर रहा है एक होता है कि भाई मैं स्टार्टिंग से मुसलमान हूँ मैं हिंदू हूं और दोनों ने ऑनेस्टी रही और दोनों अपने दिमाग से जो वो मुझे वो अलग चीज हो गई वो मैं कहूँगा डिबेटेबल है वो अलग एक टॉपिक अलग हो गया पूरा बट अगर कोई डिसेप्शन यूज करके कर रहा है उसके बाद इंसान तो मैं कह रहा है तुम्हें तो कन्वर्ट कर रहा है जो भी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें लड़कों के पास प्रोटेक्शन करी है नहीं है

नहीं देने के या फिर वो कंसेंट कंसेंट वैलिड को नहीं माना गया तो जब आप एक कंसेंट को से फोर्स का एलिमेंट हटा रहे हो आप कंसेंट से एक कोवर्जन का एलिमेंट हटा रहे हो आप कंसेंट से बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हटा रहे हो और उसको एक डेफिनेशन आप बना रहे हो एंड एक लीगल क्राइम बता रहे हो और डिस्क्रिप्शन दे रहे हो

लगा सकता है क्या चोरी का केस वो भाई तूने अपनी मर्जी से दिए हैं क्योंकि तू उसके साथ रिलेशनशिप में था तेरे से तो लूट के तो नहीं लेकर गई वो मेरे को प्यार ही दिखाया होगा उसने कोई वादे करी होंगे उसने तो उसके ऊपर चोरी का के... क्या पुलिस चोरी का केस रजिस्टर कर सकती है किसी गर्लफ्रेंड के ऊपर जिसने धोखा दिया अपने बॉयफ्रेंड को सारे के अंदर जाएंगी अगर ये केस बना दिया ऐसे नहीं ऐसे नहीं करते यार ऐसे नहीं करते श्वेता बहुत लड़कियाँ बहुत अच्छी आप कह रहे हो कर तो हाँ। सकते हम भाई किस सेक्स कर रहे हो हमें सेक्स करना चाहिए हमारी सेक्सुअल जो भी स्टोरी होगी वो क्या होगी अगर उनके अंदर खुद से इतना दिमाग नहीं है तो भाई मतलब फिर तो वही बात आ गई ना कि लड़का फिर अगर रिलेशनशिप में कहे कि जो भी चीजें मैंने दी मैंने आईफोन दिया मैंने उसको लैपटॉप दिलाया

वे mm -hmm. okay? वी कि हाँ भैया लड़के ने अगर बोला था शादी करेगा और शादी नहीं कर रहा है तो क्राइम तो है ठीक mm -hmm. तो है सोचने लग जाएंगे ये मतलब एक नया इन्वेंट हो जाएगा क्राइम लोगों के दिमाग में यार और वो भी वन साइडेड बिल्कुल वन साइडेड लड़की डंप कर दे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप उस परसपेक्टिव से नहीं देखोगे लेकिन लड़का अगर डंप कर दे तो आप ये सोचने लो मतलब मैं जो इन केसेस से डेली डील करती हूँ मेरे को बहुत सारे केसेस में यूं लग जाता है यार कि मैं रैशनल नहीं हो पाती हूँ जहाँ पे मुझे यूं लगता है कि हाँ लेकिन बिल्कुल। बिल्कुल भाई हरामी होने में और एक रेपिस्ट होने में बहुत so, फर्क है मैन हंड्रेड परसेंट

यस yes, एब्सोल्युटली और आज मेरे पास एक केस जो आया हुआ है उसमें वो बंदी उसको डरा रही है कि मैं थाने के बाहर जाके ड्रामे करूंगी और तेरे को अरेस्ट कराऊंगी उसने जो डिफाइन करी है ना कि दो साल पहले हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ दो साल से शादी का झांसा देता गया देता गया देता गया देता गया हाँ तो 2022 से 2023 के बीच का जो ड्यूरेशन है ना उसी ड्यूरेशन में वो किसी और बंदे से भी शादी का झांसा ले रही थी hmm. एक और बंदे के ऊपर रेप केस लगाया उसने तो एक ही ड्यूरेशन पे वो दो लड़कों से शादी के से लेके दोनों लड़कों उसके साथ सेक्स कर रही थी लेकिन वो सारी चीजें रेप हो जाती है क्योंकि लड़की बोल रही है कि कितने साल निकल जाएंगे तो मैं आपकी परखत छोड़ चुके होंगे जिंदगी के आपके प्रोस्पेक्ट में तो बात ही मत कर लो और आप लोगों को पता नहीं सब बातें जुडिशियर की बात करें आई थिंक इनके पास न्यूरो साइंस की डिग्री है I think, की डिग्री है इन्हें पता भी नहीं है न्यूरोबायोलॉजिकली स्ट्रेस का स्ट्रेस चेंजेस यू आपके मार्कर yes. चेंज कर देता है उनको yes. अगर आइडिया मैं दे दू कुछ आर्टिकल पता चले कि स्ट्रेस किस लेवल पे इंसान की बायोलॉजी चेंज करता है इनकी फट की चौराव जाएगी तो आपने अगर चार साल का टॉक्सिक स्ट्रेस किसी को दिया है ना मोस्ट लाइकली पहले तो आपने उस इंसान इस की कॉग्नेटिव वे ऑफ थिंकिंग एंडविंग लाइफ ही चेंज कर दी है

हाँ ऑब्वियस सी बात है यार ऑब्वियस सी बात है आप अपनी फैमिली को इतना सफर करते हुए देखते हो यार पैतालीस में चले या। पैता एक दिन उसको एक हार्ट अटैक आएगा वो लेट जाएगा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बस उसकी हम वो नहीं कर पाएंगे कि इसका जेनेसिस क्या है लेकिन वो न्यूरोसाइंस ये सब सब्जेक्ट्स करके आपको बता रहे हैं साइकाइट्री सब बता रहे हैं भाई इनका जेनेसिस है ये absolutely absolutely there's there's no doubt about it there are so many ramifications that we cannot even think of right now there will be Standless. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सब लड़कियां ऐसी नहीं होती सब लड़कियां ऐसी नहीं होती सब लड़कियां ये नहीं करती सब लड़कियां वो नहीं करती अरे भाई जो अच्छा इंसान है वो तो वैसे किसी के साथ बुरा नहीं करता लेकिन जो बुरा इंसान है वो बुरा ना करे इसलिए तो कानून बनाते हैं कौन कह रहा है, सब करते हैं ये

मैंने कहा लॉ जेंडर न्यूट्रल करने से इतनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं ठीक है ना ये लॉ जिस शेप में आ रहा है उस शेप में नहीं आना चाहिए तो इसलिए हम लोग रोल बैक कर रहे हैं कहता मैं अपनी बेटी के लिए कंसर्न हूँ इसलिए मैं रोल बैक आ, नहीं बोलूंगा मतलब मेरा तो दिल कर रहा था मैं उसको बोलूँ

इंसान को साइकोलॉजिकली पता होता है कि चलो भाई मेरे थोड़ा सा शेव कर लें मैं लड़कों की बात कर रहा हूं लड़कियों की बात पार्टनर हो पांच साल से और तुम सेक्स नहीं कर ले रहे हो उसमें भी इंसान कहता रुको मी वॉश ये रियलिटी है ग्राउंड रियलिटी हाइजीन ये सब चीज में कोई भी कर तुम बुरी तरह से बदबू तो कोई सेक्स नहीं करना चाहेगा तुम्हारे साथ इंसान भी नहीं चाहता कि मैं द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सेक्स से पहले पंद्रह स्टेप्स होते हैं जो इंसान लेता है दिस इज बिकॉज़ रियलिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो नुअंस्ड है अनफॉर्चूनेटली जैसे चीटिंग सिर्फ सेक्स नहीं होती चीटिंग एक पांच महीने का प्रोसीजर है या पहली बार इंसान को अट्रैक्शन को वो वैलिडेट करता है कि आओ मैं कॉफी पी लूंगी तुम्हारे साथ या कॉफी पी लूंगा तुम्हारे साथ उसको पता है मैं इस लड़की के प्रति अट्रैक्टेड हूं मेरी वाइफ है मेरे घर में वो है लेकिन वो जानबूझ के अपने आपको जस्टिफाई कर रहा है पहले लाता है अपने दिमाग में कि ये तो सिर्फ वर्क ऑफिस कॉलिंग रिलेशनशिप है लेकिन वो क्लियरली ले उसको पता है कि मेरे को यहां से लाइफ में नॉर्मली नहीं करने वाला था और मैं किसी साथ बैठने बनता भी नहीं मैं क्यों बैठ रहा हूँ लेकिन वो उस अट्रैक्शन को वैलिडेट करता है वो उस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है चीटिंग उस दिन से शुरू हो जाती है जब आप घर पर जाते हो बताते नहीं हो क्या मैंने कॉफी पी उसके साथ मैं लड़की लड़का दोनों की बात कर रहा हूँ अब तो पे सब चीजों की तो ये चीजें छोटी नहीं होती है, ये बहुत है। हाथ से टच से स्टार्ट होता है? गाल किस स्टार्ट, होता है? नेक पे स्टार्ट होता है आप सेक्स तक पहुंचते पहुंचते पंद्रह स्टेप्स हैं जिनमें आप नो बोल सकते कितने लोग होते हम इतना ही करेंगे और वो उतना ही करते हैं वो आगे बढ़ते नहीं है पता है सेक्सुअल ऑफेंसेस में ना जैसे आ, मैं कुछ पुरानी जजमेंट्स मैंने पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट की जो नाइन्टीज में होती थी बहुत बहुत व्यू होता था जजेस का कि एक तो वाहियात चीजें थी टू फिंगर टेस्ट वगैरह वाली या, जैसी या, और बहुत डिफिकल्ट होता था, था एक लेडी को प्रूव करना कि शी शेय बीन अ विक्टिम ऑफ रेप है ना हजारों क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता था एक वो एक्सट्रीम था ठीक है वो बिल्कुल एक्सट्रीम था उसको एड्रेस करने की बहुत जरूरी थी जरूरत थी अब एक आप एक्सट्रीम लेकर आ गए हो जहां पे शादीशुदा दो बच्चों की माँ बोल रही है इसने मुझे शादी का झांसा देकर रेप कर दिया और अब उस लड़की से औरत से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो महिला से ये अलग एक्सट्रीम बना दिया आप इन लोगों ने उस एक्सट्रीम को ठीक करना था उसको एक्सट्रीम को ठीक करने के लिए दूसरे एक्सट्रीम में चले गए हो कि भाई खुद जा रही है सीसीटीवी में दिख रही है हंसती हुई जा रही है हंसती हुई बाहर आ रही है कौन से जहां से पढ़ के चली गई वहां पे ये इसको अक्ल नहीं है इसको बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी और आप इन सब चीजों को जस्टिफाई कर रहे हो फिर आप उसको इतने क्राइम में आप उसको डॉक्यूमेंट uh, कर रहे हो एज अ क्राइम कोई मतलब नहीं बनता है पहले आपने मैरिज के रिलेशनशिप में हर चीज को क्राइम बता दिया आदमी तेज आवाज से बात करे तो वो मेंटल क्रुअलिटी आदमी अगर बोले कि भैया तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ जाके जॉब कर लो तो अगर कुछ कर रहे हो तो उसको मेंटल क्रूअलिटी सोच लेगी कोई वाइफ की भैया ये तो मेरे से पैसे हंटने के लिए मुझे नौकरी करवा रहा है कोई बोले नौकरी नहीं करो क्योंकि घर में दिक्कत है परिवार को जरूरत है तो मेंटल क्रूअलिटी हर चीज को मेंटल क्रूअलिटी बना दिया आपने फोर नाइनटी एटे में अभी कोई भी रिलेशनशिप किसी भी तरह से ब्रेक हो जाएगा सब में लगा दो शादी का झांसा वाला फॉर्मूला बंदे को क्रिमिनल बना दिया आप लोगों ने इंटीमेट रिलेशनशिप में ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हो आप लोग यार फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि नंबर बहुत ज्यादा नहीं है तो मतलब क्या एग्जैक्टली exactly होगा जब आपको लगेगा नंबर ज्यादा मैं बहुत बार बोलती हूँ श्वेता जो लोग मुझे बोलते हैं ना नंबर नहीं है मैंने कहा बता दो नंबर भाई नंबर बहुत दस लाख आदमी मर जाए पचास लाख आदमी मर जाए एक करोड़ आदमी मर जाए उसके बाद में अपना काम करना शुरू करूँ नंबर बता दो मैं छोड़ दूंगी

Yeah. करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं so, बट फिर सडनली अगर के कोई आदमी के लिए, फिर कोई लिए तो फिर हमें उतने तो नंबर yes. 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 नहीं, 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 मैं कह रहा ये बता रहा ना कि इंडिया में इतने केसेस होते हैं बस तो मुझे नंबर पर बताओ बिकॉज उसका ट्रिपल रेट है जो कि किसी के साथ ऑटो में बस में हो गया उसने रिपोर्ट दिया चुपचाप घर गई एग्जैक्टली वो भी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस में आता है साइकोलॉजी में वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है क्योंकि कहा जाए इंसान और वो शेम और फिर, फिर, वो, रेपुटेशनल जो फिर वो अपने दिमाग में तुम्हारे तुम्हारे उल्टा ही बहुत सारी चीजें होती हैं। ये डाल देता है तुमको सिखाया जाता है कि तुम्हारी गलती थी ये सब चीजें ठीक है ये अपनी कॉन्वर्सेशन और इसलिए मैं नंबर्स में जाना चाहता इट एग्जिस्ट इट सिमिलरली और इसके पीछे बहुत बड़े वो नहीं है यार हम कोई मतलब वे नॉट लाइक हम मूरत हैं यू you नो know, उसकी भाई हम में पर हमें दो कोड़े के लौटे बैठे हुए हैं मैं वही बात, आ, बात कर रहा जो आ आ जाता है, ये आ जाता है ये है ये ये सेडिज्म सेक्सुअल लस्टफुलनेस तो तुम तो एक देखते किस में बच्चे जरा सी उम्र में आजकल के तुम तो पता नहीं क्या क्या करना चाहते हो तो तुम लड़कियों के साथ क्या क्या दो कड़े की चीजें करना चाहते हो तुम्हारे एडवांस ऐसे होते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा भाई यहां पे बेवकूफ नहीं बैठे और घटिया लोग भी नहीं बैठे बहुत मैं हमेशा से मेरा मैसेज रहा है कि बहुत घटिया लोग बैठे हैं तो मैं सेम दर्जा में लड़कियों भी रखना चाहता हूँ बस

यस yes, बिल्कुल अभी एक आ, आ, मैं आपको लिंक भेज दूंगी आप देखिएगा उसमें दो एडवोकेट्स खड़े हैं जज साहब के सामने तीन सौ छहत्तर रेप का केस लगाया हुआ है तो लड़की का एडवोकेट बोलता है कि जनाब केस को खत्म करवाना आ, आ, नहीं बेल 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 लेने के लिए आए हैं लड़के के लिए क्योंकि लड़की ने लिख के दिया है कि उसको मिसकंसेप्शन हो गया था उसने गलती से रेप केस फाइल कर दिया तो जज साहब बोल रहे हैं भाई साहब तीन का केस है है मजाक नहीं है गलती में किसी के ऊपर तीन सौ दो मर्डर का केस करवा सकते हो क्या तो अपनी जाके को बोल दो नहीं एक्सीडेंट नहीं, हो गया था लड़का है ना उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो लड़की को लगा कि वो उससे उसको इग्नोर मार रहा है तो उसने थ्री सेवन का केस कर दिया सोचो मतलब आप ये एडमिट कर रहे हो सामने कि वो इतनी अक्ल से पैदल है कि किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो तुम थ्री सेवेंटी सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है कि डोंट डोंट टेल टेल अस अस द द नंबर नंबर ऑफ ऑफ मेन कमिटिंग कमिटिंग सुसाइड सुसाइड वुमेन पुट अ वन साइडेड यार आपने महिलाओं के लिए तो कानून बनाए हुए हैं हम आपसे रिक्वेस्ट ही ये कर रहे हैं कि आदमियों के लिए कुछ नहीं है कुछ उनके बारे में भी, भी सोच लो yeah. एक कमीशन बना दो उनके लिए आपके पास कानून ही नहीं है तो आपके पास डेटा कहाँ से आएगा आपके पास डेटा कहाँ से नहीं आएगा तो आपको ये बिल्कुल कभी नीड लगेगी ही नहीं कि कुछ करने की जरूरत है एक कमीशन बना दो एक कमेटी बना दो भैया कमीशन मत बनाओ एक कमेटी बना दो भैया कि, कि आदमियों के भी कुछ इश्यूज के बारे में हम समझ लें कि उनके साथ क्या हो रहा है और अगर फिर आपको लगे कि हाँ भैया नंबर्स थोड़े से सब्सटैंशल है लोगों के साथ गलत हो रहा है हम लोग कुछ कर लेते हैं वही कर दो कुछ तो कर दो आई थिंक टोटल नेशनल कमीशन फॉर मेन की डिमांड की पिटिशन पे आप ऐसे चुटकी भर में डिसमिस कर देते हो सोच ही रही हो कि अगर आपने आदमियों की सुनना शुरू कर दिया तो वो कहीं ना कहीं कही महिलाओं आप के किसी लाफ होगा। आप किसी तरह से आदमी आदमी को को यस रखते हो इन अ वे एक ये ये ऐसे हैं अब उसका क्या आप रखते हो वो ही इन्फ्लुंस कर रहा है फिर आपकी थिंकिंग को और अगर आप किसी को किसी नजरिए से देखते हो ना और अगर आपने वो उसको सोलिडिफाई कर लिया तो आप फिर तो फिर खत्म है आप उसको कभी एम्पेथी एक्सटेंड ही नहीं कर पाओगे और यहां पे ये लैक ऑफ एम्पेथी का केस है ना हम आदमी का एम्पेथी एक्सटेंड ही नहीं करेंगे पर आपको पता है न्यूरोबायोलॉजिकल वो क्या है बेसिस क्या है का? क्या? कौन से ब्रेन रीजन एक्टिवेट होते हैं तो उन्होंने पाया बेसिकली द ब्रेन रीजन जब मैं एक्सक्रीमेंट देखता हूं ना गार्बेज बट नॉट इवन गार्बेज गार्सक्रीमेंट शिट जिसे डिजगस्ट कहते हैं जो ब्रेन रीजन एक्टिवेट होते हैं जब मेरा दिमाग जो भी चीज को डिस्गस्टिंग फील करता है वो एक्टिवेट होते हैं सेम जब मैं जिस चीज के प्रति प्रेज होल्ड करता हूँ वो होते हैं oh, okay. so mm. are so तभी तो अगर मैं प्रेज हूँ और मैं सबसे एम्पेथिक सबसे हेल्पफुल सबसे काइंड सबसे अल्ट्रिस्टिक आदमी होगा कि मैं मदद सोसाइटी कर रहा हूँ कर रहा हूँ उसके सामने वाले जिसकी तरफ मैं प्रेजेडिस रखता हूँ अगर उसकी हत्या हो रही है mm. मुझे फर्क नहीं पड़ेगा मुझे अगर नंबर बताया दो मिलियन लोगों की हत्या गई मेरे लिए वो कीड़े हैं बिकॉज द ब्रेन रीजन आर एक्टिवेट बनाए थिंक ऑफ दैम और जो भी है वो प्रेजिडिस जिसके प्रति होल्ड करता हूँ वो डिस्कस वाला एक्टिवेट हो रहा है ब्रेन रीजन तो मैं ह्यूमन ह्यूमन hmm. की तरह देखता ही नहीं उनको डिह्यूमनाइजेशन होती है वहाँ पे प्रेजिडिस बहुत डेंजरस चीज है इसलिए That is why a lot of feminists are extremely. Any, yes, उनको फर्क नहीं पड़ता लो, 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 ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है। आप पकड़ लो, हिंदू मुस्लिम कहीं कोई भी यू नो इसराइल पालिस्तान या जो भी पकड़ लो जहां पे इंसान प्रेजिडिस बैठ के आ गया कि सामने वाला ऐसा है फिर उसको फर्क नहीं पड़ेगा जैसे नाजी जो होते हैं न्यू नाजी हो गया उनको फर्क नहीं पड़ता कि छह मिलियन जूस ए छह मिलियन सिमिलरली जो अभी विंसेंट चर्चिल या जैसे जो कुछ लोग होते हैं जो कॉलोनाइजेशन को बड़ा मानते हैं अच्छी चीज थी उनको अगर नंबर दो स्टिस्टिक्स या इंडिया में ऐसा हुआ या इंडियन से ऐसा हुआ उनको क्या अरे हटा

मेरा काम जो इवॉल्व होगा मुझे साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव uh, बिल्कुल लाने पड़ेंगे ऑब्वियसली अपनी कॉन्वर्जेशन में अभी तो मैं सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ बट येस दिस इज दिस इज साइकोलॉजिकल बहुत सारी लेडी जजेस होती है ना uh, जैसे अभी uh, एक केस फरीदाबाद से था मेरे पास उसमें एक uh, आदमी से 33 लाख रुपए एट लिए गए झूठा रेप केस लगा के उसके ऊपर हाँ उसने उस बंदी को कभी देखा भी नहीं था wow. उसका नाम भी नहीं जानता था एक दिन मूवी देखने गया था वो और उस ज, उस दिन की एपिसोड दिखा के और उस लड़की को प्लांट किया गया था उसको लड़की को एक्चुअली उसके नेक्स्ट सीट पे बिठाया गया था बिकॉज ये पूरे हनी ट्रैप गैंग वाले थे तो अच्छी तरह से रेकी करके सब कुछ ये लोग करते और उस दिन जिस दिन मूवी देखने गए उसके सात महीने बाद वो लड़की लेडी जो है जाके रेप केस लगा देती है और बोलती है कि मैं मूवी देखने गई थी इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई कोल्ड ड्रिंक पी के मैं अनकॉन्शियस हो गई फिर मैं थिएटर से बाहर निकलने लगी तो भैया जिनसे तुमने कोल्ड ड्रिंक पी और तुम अनकॉन्शियस हो रही हो वही तुम्हारे पीछे लड़का आके तुम्हारे को बोल रहा है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ और मैं उसकी गाड़ी में भी बैठ गई बड़े से मॉल की पार्किंग में हो रहा है सब कुछ जब मैं उसकी गाड़ी में बैठी तो उस पार्किंग में उसने मेरा रेप कर दिया और साथ में मुझे पता नहीं था ये बंदा कौन है तो मैं उसके बाद वहां से चली आई मैं डिप्रेशन में थी रिपोर्ट नहीं कर पाई आज मैंने फेसबुक करते हुए स्क्रॉल करते हुए इस लड़के की फोटो देखी तो मुझे याद आ रही है तो वो लड़का है और मैं रेप केस दर्ज कराने आई हूँ ठीक है तो बिल्कुल प्लॉटिंग करके और फिर उसके बाद इस लड़के को इमीडिएटली फरीदाबाद पुलिस ने उठा लिया और उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि हो क्या रहा है मेरे साथ और थाने में बैठ के इससे फरीदाबाद की है ये इंसिडेंट थाने में बैठ के इस बंदे से पचास लाख रुपए मांगे जाते हैं ठीक है और क्योंकि इस बंदे की वाइफ प्रेग्नेंट है उस टाइम पे और क्योंकि ये बंदा अपने बिजनेस का करता धरता है इसकी फैमिली इतनी प्रेशर में में आ जाती है में जाती है 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 कि डील फाइनली लाख रुपए सेटल हो उसके बाद ये लड़की जो है, चेंज कर देती है अपनी स्टेटमेंट गलत फैमिली होगी जी मुझसे तो ये वो लड़का नहीं है तो दो दिन में उसकी स्टेटमेंट बदल गई पैसे वैसे आ गए पर क्या था ये बंदा तो अरेस्ट हो चुका था ठीक है तो जो लोअर कोर्ट की जो जज थी आप ये देखो उन्होंने उस जज के सामने वो एफिडेविट रखा कि एफआईआर से तीसरे दिन पलट रही है वो बिल्कुल ना हाँ। और पूरी स्टेटमेंट चेंज हो गई है हाँ। बोल रही है, हम नहीं बेल देंगे उस मोहतरमा का ट्रैक रिकॉर्ड है मतलब वो मोहतरमा एक बार भी ये नहीं सोच रही कि मैं इस लड़की से आके पूछ लू दो ही चीजें हो सकती है ना अमिताभ या तो उसको डरा धमका के उससे स्टेटमेंट चेंज करवाई गई है अगर वो हुआ है तो देन यू नीड टू इन्वेस्टिगेट दैट ठीक है और पुलिस को आप पूरे के पूरे जिन लोगों ने उसको डराया धमकाया ऑब्वियसली बंदा तो जेल में है वो तो डराया जो भी डरा रहा धमका रहा है आप उसको फिर अंदर करो ठीक है और दूसरी ये चीज हो सकती है कि पैसा खा के स्टेटमेंट बदल दी तो दोनों सर्कमस्टेंसेज में आप पुलिस को समन करोगे और पुलिस को बोलो भाई इन्वेस्टिगेट करिए क्या और एकदम से ऐसे क्या एफिडेविट आ गया भाई की चेंज कर रही है अपनी स्टेटमेंट आप इन्वेस्टिगेट सारी जज के पास पावर्स है लेकिन नहीं वो एक महिला है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कितना ही झूठा केस ना हो बंदे को बेल नहीं देगी तो ये वो जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे नाउ आई अंडरस्टैंड इट कि दे बिकम एब्सोल्युटली इनसेंसिटिव व्हेन द मैन इज इन फ्रंट ऑफ देम दे लुक एट दे लुक एट इट कुड दे जस्ट लुक एट अ क्रिमिनल और पता नहीं वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो बातें थी कि

उसे तीन रेप केस कर रखे हैं तीन कर रखे हैं उसको एक्सपोज कर दिया था मैंने जी। तो मेरे पीछे पड़ी हुई है मेरा नंबर डाल देती है मेरे को सेक्स वर्कर बोल के बट लेकिन मैं आपके थ्रू आपकी कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहूंगी बहुत सारे लड़के आजकल के टाइम पे जिनको बहुत बुरा लगता है लड़कियां भी हैं जिनको बहुत बुरा लगता है सब केसेस सुन के वो मेन्स इशूज के ऊपर कुछ करना चाहते हैं उनको डायरेक्शन नहीं मिलती है बहुत सारे लोग मुझे ऑब्वियसली मैं सारी दुनिया को अपनी टीम में नहीं ऐड करवा सकती आप अपने लेवल पर कुछ करने की कोशिश कीजिए ठीक है आप अपने आप, लेवल पे जो कोई न्यूज पेपर्स में इस तरह की आप अः केस देखते दे हैं जहां पे आपको लगता है कि किसी आदमी के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है पहली बात तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस केस को दुनिया की नजरों में लाने की जरूर कोशिश कीजिए बस एक फोटो खींच के डालिए कि देखो आज हमारे शहर में या हमारे गांव में या हमारे कस्बे में ये किसी आदमी के साथ बहुत गलत हुआ और कोई जरूरी नहीं है कि पर्सनली किसी मैटर में इन्वॉल्व होना है एक छोटी सी आप वीडियो बना सकते हैं एक छोटी सी आप पोस्ट डाल सकते हैं आप अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर सकते हैं तो बट ये है कि बहुत सारे लोगों को जरूरत है इन मैटर्स के ऊपर बात करने की और इन और कोई उसमें हेजिटेशन की जरूरत नहीं है आपको लगता है कि हाँ इस मैटर में किसी आदमी के साथ गलत हुआ है तो प्लीज बिंदास बोलिए जितनी ऑनेस्टी और जितनी कंसर्न से महिलाओं के लिए बोलते हैं उतने कंसर्न से से मेरे ख्याल आप किसी पुरुष के लिए भी बोल सकते हैं वो कोई एंटी वीमेन नहीं हो जाता है तो मेरा तो यही मैसेज होगा कि आप अपने लोकल लेवल पे भी बदलाव लाने की कोशिश कीजिए तभी एक लार्जर लेवल पे बदलाव आएगा और बाकी अगर कोई फंसा हुआ है तो कॉन्टैक्ट दीपिका भारद्वाज एट जी डॉट कॉम पूरा निकाल तो नहीं सकती हूँ मैं लोगों को केसेस में लेकिन हम लोग गाइडेंस थोड़ी बहुत दे पाते हैं तो मुझे आप एक बार बताओ अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप लोग कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो और आप लोग फंडिंग वंडिंग सब कहाँ से लाते हो <laughs> मैं पिछले 12 साल से अकेली काम कर रही थी 11 साल से जी लास्ट uh, ईयर मैंने अपनी एक टीम में एक uh, मेरे है रोहित उनको जॉइन करवाया है आ, वो मैट्रिमोनियल केसेस में हमारी काउंसलिंग्स देखते हैं जी और आ, फंडिंग वंडिंग तो मिलती नहीं है श्वेता मैटर्स ऑफ मैरिज नेटफ्लिक्स में दो साल के लिए थी और बहुत ही पीनट्स मिले थे मुझे उसके लिए अपनी लाइफ की 2012 तक जितनी भी सेविंग्स थी वो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में डाल दी थी उससे पहले ही हम उससे कुछ महीने पहले ही हम लोग एक हमारे फैमिली में एक मैटर हुआ था जिसमें हमारे को एज एक्सटोर्शन अमाउंट बहुत सारा पैसा भी देना पड़ा था हम्म hmm. तो फिर उसके बाद इंडिया सन्स बनाई इंडिया hmm. सन्स में आना की शोनी कपूर है hmm. आ, वो प्रोड्यूसर है लेकिन इंडिया सन्स भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने नहीं ली तो हम लोग काफी ज्यादा लॉस में है yeah. तो आप लोग कोई एनजीओ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जिससे आपको नहीं मैं अभी तक अकेले काम कर रही थी लेकिन अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन करो ना फिर लोग फंड करेंगे ना आपको जी जी आप मेरे ऐसे लोग भी छोड़ दो हम करवा देंगे क्योंकि <laughs> अगर पांच हजार लोग भी देख रहे हैं दस हजार लोग भी देख रहे हैं सबसे कहो भाई तुम महीने का सौ रुपए दो एब्सोल्यूटलीटली जिसमें दे सकता है महीने का कर लो भाई कॉज है इसके प्रो सोशल बिहेवियर के भयंकर लेवल पे बेनिफिट्स हैं भयंकर बेनिफिट एक्चुअली प्रताप की आप आप कोई भी चीज कभी करते हो ना तो बाकी सब चीजों में मुझे लगता है कि काफी सारे आ, पहले सेट किए हुए एग्जांपल्स लोगों के सामने होते हैं जहां पे किसी को सक्सेस मिली या एक रोड ब्लॉक्स होते हैं आगे बहुत आगे। सारे प्रूज एंड डोंट्स हैं मैं इस स्पेस में काम कर रही हूं जहां पे एक बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है मतलब मुझे मैंने पिछले बारह साल में या ग्यारह साल में जो मुझे लगा कि हाँ सही कर सकती हूं मैं या यहाँ पे जाके मुझे ये कवर करना चाहिए वहां पे जाके मुझे ये कवर करना चाहिए ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो इट्स अ टेस्ट एंड ट्रायल मेथड इन अडॉप्टेड फॉर द लास्ट इलेवन ईर्स ठीक है ना अभी तक अकेले काम कर रही थी बट अब मुझे ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग uh, uh, है कि दिस इज नॉट अ बैटल दैट आई आई कैन फाइट अलोन एब्सोल्युटली नॉट नीड I don't think the the कोई लॉयर भी हैं जो इंस्टाग्राम में मैं बता रहा हूं एक्टिविस्ट और एडवोकेट जो अवेयरनेस पेडियो बना रहे हैं, उनको हम कन्फ्यूज कर रहे हैं एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं फ्री में कर रहा है तुम्हारी शायद फ्री में जितनी मदद कर पाएगा के हिसाब से कर पाएगा सेम एडोकेट जिसको तुम मैसेज करोगे जो एक्चुअल वीडियो बना रहा है वो अपनी क्लाइंटल बनाने के लिए बना रहा है वो वीडियो दस वॉट पीपल डोटर स्टैंड तुम उसके पास कैसे हो सालाना भी श्योर प्रोटेक्ट करेगा बट ऑब्वियसली तुम्हारा केस ले रहा है वो उसका काम है उसका तुम्हें बिल पकड़ा गया वो सालाना बहुत मोटा सा इतना बड़ा मतलब रोड ब्लॉक मतलब एक मेंटल ब्लॉक है लोगों में कि भैया जो एक्टिविस्ट है ना उनको तो झोला छाप ही होना चाहिए उनको तो मतलब ऐसे गरीबी में जीना चाहिए और पैसे की तो उनको सोचना ही नहीं चाहिए मतलब लोगों के बहुत अजीब अजीब पर्सपेक्टिव्स होते हैं तो मैं होते हैं ना लोग इसलिए इन <laughs> पर्सन इन इन पर्सपेक्टिव्स को ओवरकम करने के लिए बहुत टाइम लगता है खासकर मेरे जैसे इंसान को क्योंकि मुझे मुझे है है मेरी मुझे यूं लगता है कि कोई भी इंसान मेरे बारे में गलत ना बोले उससे कभी कभार मुझे थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है अब तो नहीं होता खैर hmm. लेकिन फिर भी मतलब आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद माई वर्क आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद पीपल इन डूइंग माई वर्क लेकिन फिर भी लोग बोल ही देते हैं मेरे ऊपर तो कोरा पे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आर पीपल लाइकानी ग्यारह साल नहीं। नहीं। की नहीं। हमने नहीं। नहीं। कोई भुजिया बना रहा है, बेच रहा है पैसा कमा रहा है ना उससे कोई बिस्किट कमा रहा है पैसा कमा रहा है ना आप काम कर रहे हो पुण्य का और उसमें अगर पैसा कमा रहे हो तो बुराई क्या है फिर याद करो जो दुकान पे जाओ जो कन्फेक्शनरी की होती है ना थप्पड़ मार दो हर एक इंसान को तूने पेपर बेचा इसको फ्री में क्यों नहीं बेच रहा है ये भुजिया बेच रही है ये फ्री में। क्या उल्लू का वाली बात कर रहा है काम के कर्तव्य के कर्म के तुम्हें तो मिलनी चाहिए वैल्यू मिलनी चाहिए भाई मतलब मैं अगर कोडिंग करता हूं जो लिख रहा है जितना भी लोग देख रहे हैं जो कोडिंग कर रहा है अबे तू पैसा ले रहा है ना उसका अब लेकिन तू काम कर रहा है सोच तेरा पैसा किस पे है कॉर्पोरेट किसी के लिए काम कर रहे हैं जिसमें से मेजोरिटी प्रॉफिट वो ले जा रहे हैं तेरे को कुछ टिंक कुछ दे दे रहे हैं टिंकलिंग समझ रहे हो यहाँ पे एक इंसान है

आ, लेकिन क्योंकि मेरी फिल्में मेरे टॉक्स वगैरह सारे के सारे इतने पॉपुलर से हो गए तो ऑब्वियसली बात है लोगों को ये लगता है कि यार ये हमारे को मदद कर सकती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है तो बहुत सारे लोग आ, मुझे ई करने लग गए तो मैं जितना भी मेरा ज्ञान है अगर मैं किसी से मदद कर दू उससे खासकर विद एम्पथी तो वही मैं करती थी एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे की मैं कॉल्स लिया करती थी जी. मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई हूँ और कोई कॉल हो गई और मैंने उनको बोला कि यार आधा घंटा छोड़ दो मैं एक घंटा छोड़ दो वीकेंड्स पे भी कॉल ले रही हूँ हर जगह पे तो उन लोगों ने लिटरली मतलब कर 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 उनको तेरी guidance से मिली मिली मदद मिली, तो उनको जो भी समझ में आता है वो तेरे को कंट्रीब्यूट कर दे yeah. तो मेरे दोस्तों ने जब मेरे को लिटरली बोल दिया ना कि भाई अगर तू ये नहीं कर रही तो देख ले सारे के सारे मिलकर पीट देंगे तब मैं वो मैसेजेस लोगों को फिर भेजने लगी थी और कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते ठीक yeah. है yeah. है कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट बट so, yeah. yeah. एक और श्वेता बहुत सारे लोगों को लगता है खासकर में क्योंकि अब हम इस स्पेस में घुस गए हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो इस, इस स्पेस में काम कर रहे हैं yeah. बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं पिछले पंद्रह बीस साल से पच्चीस साल से काम yeah. कर रहे हैं लेकिन वो वॉलेंटियर की तरह काम कर रहे हैं ठीक है अब कोई भी जो मूवमेंट है ना वो वॉलेंटियर बेस्ड मूवमेंट में आप बहुत सारा काम कर सकते हो चेंजेस ला सकते हो मैं उस चीज से डिनाई नहीं कर रही लेकिन फॉर्मेडेबल चेंजेस लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस तभी आएंगे जब आप उसको ट्वेंटी फोर बाय सेवन अपना काम बना ठीक है ना अगर आप उसको एज अ पार्ट टाइम ही काम करोगे फिर तो चेंजेस भी पार्ट टाइम ही होंगे जी अगर आप उसमें फुल टाइम जब तक अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा दोगे तब तक फिर आप बोलोगे कि कुछ बदल नहीं रहा तो बदलेगा नहीं तो आई आई वुड रिक्वेस्ट यू नो सो मेनी पीपल हु हैव हैव द द वेयर विद ऑल हु मनी टू प्लीज स्टार्ट हर चीज की जब अति होती है ना तभी बदलाव आता है श्वेता तो क्यों लॉज बदल नहीं रहे हैं कब जेंडर न्यूट्रल लॉज आएंगे तो मैं उनको बोलती हूँ कि भैया ऐसा है महिलाओं की जो लड़ाई है आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि कितनी लंबी ठीक है ना हम लोग मैं तो अभी पिछले पंद्रह बीस साल से आवाज लगानी आवाज उठानी शुरू करी और मैं तो बोलती हूँ पंद्रह बीस साल भी नहीं पहले तो छोटे छोड़ छोटे ईमेल ग्रुप्स हुआ करते थे एज अ कम्युनिटी या ज्यादातर लोग जो बात करने लगे हैं वो दस साल की मैक्सिमम लगा लो कि बहुत ही जोर शोरों से अगर कोई आवाज उठा रहा है वो वाली बात है तो इतनी जल्दी थोड़ी ना चेंजेस

बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा घुस गया हूँ मैं तो यू नो तो, you know, उंगल करता रहूंगा लोगों को और धीरे धीरे बात ये ना यहाँ पे सिंपल और कुछ नहीं यहाँ पे आपको क्या है एक जगह पे पहले सबको ला है और तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अ पोर्शन ऑफ आर इनकम इसमें देनी पड़ेगी इस कॉज में और अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा तो आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद भी कर पाओगे एज आप अकेले पंद्रह पे कर रहे हो तो वही बात होगी ना जो एनी डे क्लास में जो रिसर्चेज आती थी टीचर फिफ्टी फाइव स्टूडेंट्स मतलब वो स्टूडेंट्स का लॉस है एक टीचर यू नो एक पंद्रह बच्चों को देखना चाहिए वो सबसे आइडियल क्लास होती है सो चीज आती है ना हर एक इंसान की कैपेसिटी है भाई यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना थोड़ी यहाँ पे तो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल केस है आपके पास टेक्निकली तीन या चार केस होने चाहिए

ई गॉट द कैपेसिटी जहां पे मैं जितने मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन लोग दे रहे हैं वहां से मैं किसी को फुल टाइम सैलरी दे सकती हूँ क्योंकि yeah. मैंने तो अपनी जिंदगी लगा दी है बट आई के नॉट एक्सपेक्ट समीस टू पुट देर लाइफ एटेक विदाउट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट यू नो मैं अपने अपने घर में रहती हूँ मेरे पास बहुत मेरी बहुत कम नीड्स है मैं चला सकती हूँ काम फिर भी चलाया है मैंने इतने सालों राइट right? yeah. मतलब एक टाइम आ गया था मार्टे ऑफ मैरिज जब मैं रिलीज करके और पूरी स्क्रीनिंग्स वगैरह करके खत्म करी थी तो शायद मेरे अकाउंट में पांच दस हजार रुपए होंगे यार मैंने पांच महीने जॉब ज्वाइन करी है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं अब कहां से पैसे आएंगे कहां से पैसे लाऊं उस टाइम पे तो मार्टज ऑफ मैरिज नेटफ्लिक्स पे भी नहीं गई थी किसी ओटीटी ने खरीदी नहीं थी स्क्रीनिंग्स का कर... स्क्रीनिंग्स फ्री में करी थी हम लोगों ने मार्टज ऑफ मैरिज की बाईस शहरों में फ्री में स्क्रीनिंग करी थी क्योंकि चलो क्राउड फंड में थोड़े पैसे थे बट वो सब जब खत्म हो गया सब कुछ फिर उसके बाद कुछ भी नहीं था तो मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी

गंध इतना बढ़ गया है इतना ज्यादा बढ़ गया है यार कि सिर्फ कानूनों से वो चेंज नहीं हो सकता ठीक है ना अब हमारे को एक ऐसे सिस्टम छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि किसी लड़की ने रेप केस फाइल किया ना यहाँ पे ठीक है और अगर वो मध्य प्रदेश में जाके किसी और बंदे के ऊपर रेप केस फाइल कर रही है तो मुझे एक डेटा बेस बनाना है ऐसी लड़कियों का जो भैया दो दो तीन तीन, तीन रेप केसेस फाइल करती है ठीक है मुझे क्रिएट करना है वो क्योंकि मुझे पता है कि कोई ऐसी Uh, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास जो ऐसी एक कुटाट औरतों की डेटाबेस बनाए ताकि वो और ज्यादा जिंदगी बर्बाद ना करें ठीक है आदमियों के लिए तो आप डाल देते हो सिस्टम में उनका नाम कि भैया ये हम ऑफेंडर्स की रजिस्ट्री बनाएंगे अरे भैया ये जो औरतें हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन चार चार दस दस केसेस कर रखे हैं इनकी भी रजिस्ट्री बनाओ ना इनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं बना रहे हो ये भी तो क्राइम ही कमिट कर रही है तो बहुत सारे लेवल्स पे हमारे को बात करने की जरूरत है तो to to address or to bring institutional changes which can help people at a larger level so betting even whenever you are in India. CEO CEO managerial strategist uh. क्योंकि मैं जो होता है ना, वो कभी चला सकता बहुत रेयर होता है आर्टिस्ट और कंपनी चलाने वाला वो क्योंकि आर्टिस्ट मोस्टली yeah, प्रॉफिट yeah, yeah. के मुंह I know, I know. <laughs> नहीं आपको okay. करना पड़ेगा आप ऑर्गेनाइजेशन सर्ट करो हेल्पलाइन नंबर करो हेल्पलाइन नंबर तब करो क्योंकि जब हेल्पलाइन नंबर पे कोई करे आपको कॉल तो उसके पास एक मैसेज जाता है कि अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो कोई भी सम डोनेट कर सकते हैं इससे क्या होगा कि इंसान जो पांच दे सकता है पांच तो दे... अगर उसको लगा कि उसकी हेल्प हुई है आप माना ना ना लोग पैसा देना चाहते हैं तो कोई पचास रुपए देगा कोई दस रुपए देगा कोई हो सकता है दस दे दे तो लेकिन है इंसान फिर अपनी कैपेसिटी से देता है लेकिन आपको मोनिटरी चैनल्स हर फ्रंट पे लगाने पड़ेंगे

इस आपको पता है ट्रॉमा ट्रांसफरेबल होता है me, that, okay, ना ना मैं बता तो तो रहा इसके बहुत तगड़ा तर्वार डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है. है अगर आप किसी का ट्रॉमा जिसके साइड में हुआ और अगर आप विटनेस करो डॉक्यूमेंट करो तो जितने लाइफ में क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं किया वो सिंपल जो स्टोरीज डॉक्यूमेंट करिए ना वो स्टोरीज उसको हर रोज जो उसके के तो यही काम करना शुरू करती स्टोरीज यार बारह साल हो गए इट्स नॉट तो सोसाइटी परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा ड्रामा भर जाता है छोड़ देती ऐसे थोड़ी ना वो जबरदस्ती थोड़ी ना बोल रहा है मुझे मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है करने के लिए तो अगर कर कर तो अगर चॉइस आई वो ऑब्वियसली फाइंड अ मुझे कभी कभार लगता है कि यार, मतलब मैं क्या दे रही हूँ ऐसा जो ये लोग इतने ज्यादा ग्रेटिट्यूड में कितने प्यारे मैसेजेस भेजते हैं ना मां

आप तो हो, हर बड़ा होता है हो और आप आके पॉडकास्ट कर देते हो वरना रियालिटी ये लिख के देते रह इससे भी फमलेर हो जाते हैं अभी कुछ हुआ अब दीपिका आके आउटरीच करेंगी

सोच के मुझे थोड़ा दिक्कत लगता है क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा महिलाएं यार जिनके साथ बहुत ज्यादा गलत होता है तो... तभी तो इसको पूरे आर्गुमेंट को ह्यूमन आर्गुमेंट कर देना चाहिए हाँ, हाँ. पुरुष से हटा दो और महिला वो... से भी हटा दो तभी तो मैं फेमिनिस्ट हूँ इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ इसको ह्यूमन आर्गुमेंट देखो ये तुम ये भूल जाओ कि मर्दों के साथ हो रहा है वो एक्टिवेट हो गया तुम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आओगे जो कि काइंड ऑफ कट लेगी उसमें लेकिन yeah. दो कि किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं किसी इंसान के साथ फॉल्स एलिगेशन नहीं लगना चाहिए चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो ये सबको समझ में आएगा ना बात को समझ में आया को भी समझ में आया जो इंसान इनडिफरेंट है उसको भी समझ में आया जो इंसान कंप्लीटली न्यू है उसको भी समझ में आया कि भाई ये बेसिक लेवल पे अगर कोई इंसान दो लोग रिलेशनशिप में है और दो लोग कंसेंटिंग एडल्ट हैं दो लोगों ने रिलेशनशिप करी और एक इंसान ने फिर उस पर झूठा वो लगा दिया अब हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे जेंडर क्या है जो गलत जो बेस लाइन पे गलत है वो माइनस होकर गलत ही आएगा उसका आंसर चाहे तो मेल रख दो फीमेल रख दो कुछ भी रख दो और अगर कहो कि किसी इंसान ने किसी को मारा तो वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि गलत हुआ है किसी आ, के साथ आदमी मारा हो बड़े आदमी ने छोटे बच्चे को मारा हो अब्यूज वायलेंस तो बहुत सारे यू नो एंड परेशन हो सकती है उसकी अरे भाई एक आदमी कुत्ते को भी मारता है रोड पे वो भी गलत कहते हैं ना हम लोग राइट तो तो, भाई किसी को मारना गलत कब से नहीं है और ये कैसे हो सकता है कि हम सिस्टमेटिकली कहें कि एक इंसान के प्रति अगर वायलेंस हो रहा है तो वो वायलेंस ये वाला वायलेंस वायलेंस नहीं कहेंगे हम

कोई इंसान अगर जानवर को मारता है ये लॉ में क्राइम है तो यस अगर आप कोई वीडियो कमेंट कर ले किसी आप किसी जानवर को मार रहे हो रोड पे आपको जेल हो जाएगी तो कुत्ते से भी नीचे रखना पड़ेगा फिर आपको आदमी को तो है ही कुत्ते से अभी तो है ही न, ना मैं बस इसको लेकिन आप इसको डेफिनेशन मुझे बता रहा था आजकल की सोसाइटी में सबसे ऊपर है वुमेन्स राइट्स उसके बाद है एलजीबीटी राइट्स उसके बाद है एनिमल राइट्स

औरत आदमी को मारे तो भी टेक्निकली तो क्राइम है तीन सौ तेईस तीन सौ चौबीस में लेकिन आदमी पिटके जब जाता है पुलिस स्टेशन में तो पुलिस करती तो नहीं है ना एफ आई आर बात तो सारी डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं, नहीं। तो खत्में अरे अभी तो वही तो बात कर रहा हूं ना मैं मारना वायलेंस की बात कर रहा हूँ आप लागू ना चीज के अंदर कंप्लीटली और हट जाते हैं सिंपल वायलेंस की बात करो व्यक्ति व्यक्ति अगर वही के कर रहे हैं, ना? तो है कि अगर किसी के साथ असोल्ट हुआ है सेक्सुअल असोल्ट हुआ है तो वो चाहे शादी के बाहर हुआ हो या शादी में हुआ हो रेप तो रेप है सेक्सुअल अब्यूज तो सेक्शुअल अब्यूज है वहां पे कोई बाइफिकेशन नहीं होनी चाहिए और ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि इतने सारे दुनिया के देश हैं जहां पे मैरिटल आप ये तो दे रहे हो लेकिन आप ये तो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं देते कि दुनिया के जितने भर के ये प्रोग्रेसिव देश हैं वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी जेंडर न्यूट्रल है सेक्शुअल असोल्ट भी जेंडर न्यूट्रल है स्टॉकिंग भी जेंडर न्यूट्रल है मॉलिस्टेशन भी जेंडर न्यूट्रल है, है वहां पे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर महिलाओं के खिलाफ भी पुलिस निकाल सकती है अगर महिला पुरुष को मार रही हो तो और पे तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आपको सिस्टम नहीं है क्या